तो एक सीधा सा प्रश्न उत्पन्न होता है एक आम कार्यकर्ता में भी और देश की जनता में भी, कि पहला उद्देश्य तो समझ में आता है कि हम योग के द्वारा एक निरोगी भारत बनाना चाहते हैं, निर्व्यसनी भारत बनाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक भारत बनाना चाहते हैं, एक सांस्कृतिक भारत बनाना चाहते हैं, जो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा था उन मूल्यों को हम पुनः प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, सांस्कृतिक अवमूल्यन को मिटा करके हम सांस्कृतिक उन्नति करना चाहते हैं। ये बात तो समझ में आ जाती है, इसका मूल्यांकन भी बहुत बड़ा है, कोई कम नहीं। एक पक्ष आरोग्य वाला, यदि हम जो योग से आरोग्य पाते हैं, योग का जो निरोग बनाने वाला पक्ष है, निर्व्यसनी बनाने वाला पक्ष है, उसी का ही यदि हम आर्थिक मूल्यांकन करें तो व्यसनों में इस देश का करीब कितना पैसा लगता होगा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तंबाकू, गुटखा, इन सब में अंदाजन कितना पैसा खर्च होता होगा, तंबाकू का जो, दरअसल एक बात और बताना चाहता हूं, मैंने इसके डेटा निकलवाए थे गवर्नमेंट को, ऑफिशियली डेटा ये निकलवाए कि पूरे देश में तंबाकू कितने रुपए का बिकता है, शराब कितने रुपए का बिकता है, शराब, वाइन, बियर आदि कितने रुपए की बिकती है। ये सारे आंकड़े जितने झूठे हैं उतना कोई आंकड़ा झूठा नहीं देश में, क्योंकि गुटखा बेचने वाले बहुत से लोगों ने मुझसे मुलाकात की, कई ने तो इसलिए बोले, बाबा जी आप हमारे अकेले गुटखे का नाम क्यों बोलते हो, आप सबका बोला करो। तो फिर कुछ गुटखा वाले मेरे पास में भी आए, बोले बाबा जी हमें पता है कि हम गलत तो कर रहे हैं, लेकिन इस गलत में से कुछ तो हमें पुण्य मिल जाए, इसलिए थोड़ा दान आप ले लो। मैंने कहा भाई ना, ये काम मैं नहीं करता। मैंने कहा पर लेकिन तुम ये बताओ, और बोले जी जो है पैसा जो है हमारे पास में दो नंबर का सबसे ज्यादा होता है। मैंने कहा क्यों, बोले जी गुटखा बिकता है 50,000 का, दिखाते हैं 50,000 का, बिकता है 5,00,000 का, इसमें बहुत घपलेबाजी है। इस देश में मेरे विचार से आंकड़े, गवर्नमेंट के आंकड़े कुछ भी कहें, औसतन कितने प्रतिशत लोग होंगे जी जो है तंबाकू का प्रयोग करते होंगे या शराब का, औसत एवरेज करीब 20-25% आएगा, क्योंकि करीब करीब माताओं बहनों को निकाल दो, छोटे बच्चों को निकाल दो, और कुछ हमारे जैसे बाबाओं को निकाल दो, आप जैसे योगी भाइयों को निकाल दो, हमारे जैसे भाइयों बाबाओं से मेरा मतलब कुछ बाबा भी लगाते हैं, आप जैसे योग शिक्षकों से मतलब है कि कुछ लोग जो है वो गड़बड़ करते हैं, तो औसत 20-25%, तो करीब करीब 20-25 करोड़ लोग। और एक व्यक्ति जब नशा करता है तो औसत कम से कम 500 से 1,000 रुपए उसका महीने का खर्चा होता है, 500 से 1,000 रुपए का। तो यदि एक व्यक्ति 500 रुपए का खर्च कर, मान लो हमने महीने का खर्च किया तो 6,000 रुपए गिने, तो 20 करोड़ लोगों का 6,000 रुपए के हिसाब से भी गिने तो 1,20,000 करोड़ रुपए बैठता है। ये मतलब एकदम सीधी सीधी बात है, इसमें कोई असंभव बात नहीं है। तो हम इस देश को निर्व्यसनी बना देते हैं तो 1,20,000 करोड़ रुपए तो मात्र जो तंबाकू शराब आदि में वह आवश्यक नहीं है। देखो रोटी खाना आवश्यक है, दूध पीना आवश्यक है, फल खाना आवश्यक है। रोटी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, फल नहीं खाएंगे, साग सब्जियां नहीं खाएंगे तो जी नहीं पाएंगे, लेकिन शराब पीना आवश्यक नहीं है, तंबाकू खाना जरूरी नहीं है, वह जीवन का अनिवार्य तत्व नहीं है। और ये तंबाकू खा करके, सिगरेट पी करके और व्यसन करके जो बीमारियां होती है उसमें ऊपर से, उससे कम से कम 2-3 गुना ज्यादा खर्च होता है। तो 1,00,000 रुपए, 1,20,000 करोड़ रुपए
यदि व्यसनों में खर्च होगा तो 2-3 लाख करोड़ रुपए जो है उनके इलाज में खर्च होगा, उनसे होने पैदा होने वाली बीमारियों को नियमित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक एक अंधा कुआ है, एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें पढ़ने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाते। तो योग से हम यदि निर्व्यसनी भारत बनाते हैं और योग से यदि हम निरोग भारत बनाते हैं, तो निरोग भारत का तो मैंने कहा यह तो ऑफिशियल खर्चा है, देश के 35% लोग ही बीमार होने के बाद उपचार करा पाने में, इलाज लेने में समर्थ हो पाते हैं, उसमें से भी करीब 40-50% लोग कर्ज लेकर के इलाज करवाते हैं और बहुतों की तो जमीन पशु आदि इसमें बिक जाते हैं। ये मेरा डेटा नहीं है, यह डेटा वर्ल्ड बैंक का भी है, यूएनओ का भी है और दुनिया की और देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं उनके द्वारा कराए हुए सर्वे का मैं आपको परिणाम बता रहा हूं। मात्र 35% इलाज लोग करवाते हैं तो उसका करीब खर्चा कितना आता है, करीब 6 लाख करोड़ रुपए का। यदि सब लोग बीमार होने के बाद इलाज करवा पाए तो कितना खर्चा होगा, करीब 3 गुना कर दीजिए, तो करीब 15 से 20 करोड़ का, 15 से 20 लाख करोड़ रुपए का। तो यदि हम निरोगी भारत बनाते हैं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है, निर्व्यसनी भारत बनाते हैं कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। और जब निरोगी और निर्व्यसनी भारत बनता है तो उससे मूल्यों का अवमूल्यन अपने आप रुक जाता है, जो सामाजिक पतन हो रहा है। देखो जब व्यक्ति शराब पीता है, जब व्यक्ति नशा करता है, तब उसके गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। नशे के हालात में व्यक्ति अपराध ज्यादा करता है, नशे के हालात में व्यक्ति दुराचार व्यभिचार ज्यादा करता है, नशे के हालात में व्यक्ति गलत काम किसी भी स्तर पर वो ज्यादा होते हैं। तो हम एक पक्ष हमारा आरोग्य का है, वो तो सबको समझ में आ रहा है, इसके साथ साथ जो हमारा सामाजिक दर्शन है, जो राजनीतिक रूप से देश के साथ कहीं धोखा हुआ है, देश की आजादी के नाम पर कहीं ना कहीं हमारे साथ कि हमने आजादी पाली, देश की व्यवस्थाओं के नाम पर जो व्यक्ति के साथ छल हुआ है, जो उसको ठगा गया है, मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि लोकतंत्र के नाम पर जो अलग अलग परिपेक्षों में कहीं षड्यंत्र चल रहा, उससे देश को कैसे बाहर निकालेंगे। तो इसका एक हम आज आपको एक दर्शन दे रहे हैं। हमारे इस पूरे मिशन को हमने 11 बिंदुओं पर केंद्रित किया। एक पक्ष उसका आरोग्य है और आरोग्य में मुख्य साधन हमारा योग है, उसके बाद में एक स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ जीवनचर्या, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद की चिकित्सा, उचित खानपान, उचित श्रम, उचित भोजन, मानी छोटी छोटी बातें इस देश को हमको सिखा करके निरोग बनाना है। पानी ज्यादा पिए, सुबह उठ करके पानी पिए और पानी बैठ करके पिए, खड़े होकर के ना पिए, छोटी छोटी बातें हमको सिखानी है। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, पानी साफ सुथरा पानी पिए, स्वच्छ पानी पिए। भारत में 50-75% बीमारियां पानी न पीने से और स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध न होने से है, एक बहुत बड़ी तकलीफ है। 50-75% बीमारियां पानी पूरा न पीने से और अस्वच्छ पानी पीने से 50-75% बीमारियां होती हैं। पानी से क्या क्या बीमारियां होती है, गैस की प्रॉब्लम, जल्दी जल्दी पानी पीने से गैस की प्रॉब्लम होती है, छोटी सी बात है, जल्दी जल्दी पानी पियो गैस की प्रॉब्लम होगी, ऐसे ऊपर से डाल करके पानी पियो गैस की प्रॉब्लम होगी, खड़े होकर के पानी पियो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होगी, छोटी छोटी बातें, गैस की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम, आंतों की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, ये पानी का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। हमारे शरीर में करीब 80% पानी है, तो आप औसत समझ लीजिए, 80% पानी यदि ठीक से नहीं जाएगा हमारे शरीर में, 80% जो हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारी पर्सनैलिटी है,
जो हमारा शरीर है वो किससे निर्मित है? जल से। तो जल ठीक से नहीं जाएगा तो 80% तो शरीर वैसे खराब हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो एक पक्ष हमारा आरोग्य का है और उसको हमें जन जन तक पहुंचाना है, आरोग्य को जन जन को स्वस्थ बनाना है, उसको निरोगी बनाने के साथ साथ निर्व्यसनी भी बनाना है। और इससे भी देश का बहुत बड़ा हम लाभ कर रहे हैं, इसका आर्थिक मूल्यांकन ही किया जाए कि योग के द्वारा हम लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, उनको अच्छे भोजन की आदतें उनके अंदर डालेंगे, तो फिर आगे दूसरी चीजें उसके साथ में जो है भेषज भी जुड़ेगा, उसके साथ भोजन भी जुड़ेगा, उसके साथ वस्त्र भी जुड़ेगा, उसके साथ भाव भी जुड़ेंगे, सब चीजों का मूल्यांकन किया जाए। तो मैंने कहा ये 20 से 30 लाख करोड़ रुपए का हम इस देश के सुख में, समृद्धि में, विकास में योगदान दे पाते हैं। तो लोग कहते हैं बाबा भारत स्वाभिमान का उद्देश्य क्या है? हम इस देश को आरोग्य देना चाहते हैं, हम इस देश को निरोगी बनाना चाहते हैं, हम इस देश को निर्व्यसनी बनाना चाहते हैं, हम इस देश की भाषा, इस देश का भाव, इस देश का भेषज, इस देश का भोजन, इस देश की भूषा, ये स्वदेशी हो, स्वदेशी चिकित्सा पद्धति की ओर ये देश आ जाए और स्वदेशी का भाव, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी विचार, स्वदेशी वस्त्र, यही भाव जागृत हो जाए तो इस देश का 20 से 30 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक विकास ज्यादा होगा। ये क्या छोटी बात है? इसका मूल्यांकन कभी भी हमें कम करके नहीं देखना है, ये बहुत बड़ा दर्शन है। अब इसका मैं थोड़ा सा आगे विस्तार देता हूं। एक पक्ष हमारा आरोग्य का, स्वास्थ्य का, चिकित्सा का, दूसरा शिक्षा का। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे वो भ्रष्टाचार करके स्विस बैंकों में धन जमा कराया गया या भ्रष्टाचार के कारण से देश में जो बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव और उससे लाचारी और बेबसी जो पैदा हुई, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो मैं 11 मुद्दे बता रहा था, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार से मुक्ति और टैक्स सिस्टम में सुधार, सामाजिक न्याय और भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में विकसित करना, और ये जो लोकतंत्र के नाम पर कमोबेश कहीं ना कहीं षड्यंत्र चल रहा है उसको खत्म करने के लिए 100% मतदान के लिए अनिवार्य कानून बनाना, ये 11 उद्देश्य हैं भारत स्वाभिमान के। अब इन 11 उद्देश्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस पूरे देश में आज एक बहस का मुद्दा बना हुआ है और बहुत से लोगों के मन में बहुत तरह के प्रश्न उठ रहे हैं। इसमें हम बहुत से प्रश्न तो कार्यकर्ताओं के मन में भी उठ रहे हैं और बहुत से लोग जो इस अभियान के का अलग अलग दृष्टि से जो मूल्यांकन कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दृष्टि से, कोई सामाजिक दृष्टि से, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से, कोई धार्मिक दृष्टि से, कोई सांस्कृतिक दृष्टि से, इसका राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो मूल्यांकन कर रहे हैं, शायद मुझे लगता है ये इन 11 बिंदुओं पर थोड़ा विचार करने से बहुत से संशय, बहुत से भ्रम, बहुत से उलझने छट जाएंगी। और उसके बाद भी कोई प्रश्न उठाता है, कोई निंदा स्तुति करता है, तो उसकी हमें परवाह भी नहीं है। हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरे दृढ़ रहें और हमारा अपना उद्देश्य हमें सामने दिखना चाहिए। पहले मैंने एक स्वास्थ्य की बात की, स्वदेशी चिकित्सा की बात की, अब मैं थोड़ी सी आगे बात कर रहा हूं शिक्षा, योग से जुड़ा हुआ आरोग्य का पक्ष तो सब जानते हैं, उसमें बहुत बहुत गहराइयां हैं और वह एक योग आरोग्य का एक सस्ता, सरल, सहज, वैज्ञानिक और सार्वभौमिक विकल्प है, श्रेष्ठतम विकल्प है। लेकिन उसके साथ साथ हम शिक्षा में क्या सुधार चाहते हैं, शिक्षा में, शिक्षा के साथ बच्चों को संस्कार दिए जाएं, एक बात। क्यों? हर सिद्धांत के पीछे क्यों जुड़ा रहता है,
और उस क्यों के पीछे एक प्रश्न खड़ा रहता है, क्यों दिए जाने चाहिए शिक्षा में संस्कार? शिक्षा तो सब जगह दी जा रही। हम मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र किसी व्यक्ति को साक्षर कर देना ही नहीं है, जब तक वो व्यक्ति संस्कारित नहीं होगा, उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, चारित्रिक दृष्टि से, तब तक हम उसको एक सभ्य नागरिक नहीं बना सकते, तब तक हम उसको एक संवेदनशील जागरूक नागरिक नहीं बना सकते, तब तक उसके भीतर हम मानवता नहीं ला सकते। साक्षर तो ये बड़े बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन से लेकर के और तमाम दुनिया के जो बड़े बड़े संगठन चलाने वाले हैं आतंकवादियों के, वो मास्टरमाइंड होते हैं, उनके भीतर बौद्धिक चातुर्य कम नहीं होता है, बौद्धिक कुशलता कम नहीं होती है, उनको विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान कम नहीं होता है, बल्कि आम आदमियों से कई गुना एडवांस रहते हैं वो लोग। हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनके कारनामे होने के बाद उनकी तकनीकियों को जान पाती हैं, उनकी बारीकियों को जान पाती हैं, इतने ज्यादा एडवांस होते हैं लोग। तो विज्ञान और तकनीकी की मात्र शिक्षा दे देना, यह मात्र शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। हमें बच्चों को आतंकवादी नहीं बनाना है, हमें बच्चों को चरित्रहीन नहीं बनाना है, हमें बच्चों को असुर नहीं बनाना, राक्षस नहीं बनाना, पिशाच नहीं बनाना है, उनको दानव नहीं बनाना है, उनको शैतान नहीं बनाना है, उनको हैवान नहीं बनाना है। तीन बड़े खतरे पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं बच्चों को लेकर के, नशा, वासना और हिंसा। ये तीन बड़े खतरे पूरी दुनिया में आप देख सकते हैं। अमेरिका के बच्चे स्कूलों में पिस्टल लेकर के जाते हैं और अपने टीचर पर, अपने सहयोगी, अपने सहपाठियों पर बच्चे वहां की गोलियां बरसा देते हैं। ये रोजमर्रा की घटनाएं, और कई कई बार आप देखते हैं कि एक एक बच्चे ने पांच पांच दस दस और ग्यारह ग्यारह बच्चों को उड़ा दिया, टीचर को उड़ा दिया, प्रिंसिपल को उड़ा दिया। हिंसा, वासना, कच्ची उम्र में विवाह से पूर्व यौन संबंध, दुराचार, व्यभिचार है। एक खास बात के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम हर बात में पश्चिम का अनुकरण करते हैं, वहां पर दुराचार और व्यभिचार नाम के कोई शब्द ही नहीं है, वहां खाली एक शब्द है, बलात्कार। फिर से कह रहा हूं, विदेशों में दुराचार और व्यभिचार नाम का कोई शब्द नहीं है। वो कहते हैं अपनी इच्छा से कोई भी मिले, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, उसको वो अधिकार मानते हैं, लेकिन मैं इसमें कहता हूं इसमें बहुत गहरी आपत्ति है। विवाह से पूर्व यदि यौन संबंध होते हैं तो उनसे पैदा होने वाली जो औलाद है वो नाजायज होती है, और वो औलाद अगर आगे चल करके इतनी उद्दंड होती, इतनी असंस्कारित होती है, और वही औलादें आगे चल करके आत्मग्लानी की शिकार हो जाती हैं, उनके भीतर कोई संस्कार नहीं होते, उनके भीतर कोई आत्मगौरव नहीं होता, और वो एक असभ्य समाज, एक अपसंस्कृति को जन्म देते हैं। ये बहुत गहरी वेदना है। विवाह के पश्चात भी पति पत्नी से इतर यौन संबंध, वो सामाजिक विद्रूपता को जन्म देते हैं, एक असभ्य समाज का निर्माण करते हैं, एक बहुत ही ज्यादा विकृत, एक बहुत ही ज्यादा दूषित, एक जहां पर कोई मूल्य ना हो, कोई आदर्श ना हो, कोई परंपराएं ना हो, वहां एक ऐसा वर्ण संकर समाज पैदा होने लगता है जो कि मानव समाज के लिए ही, मानव सभ्यता के लिए खतरा बन जाता है। तो हमारे यहां पर विवाह पूर्व यौन संबंधों को और विवाह के पश्चात भी विवाहेतर यौन संबंधों को दुराचार और व्यभिचार गिना जाता है, उसको अपराध माना जाता है, और यह सही है। यदि हमने इसको नियंत्रित नहीं किया तो शायद विकास के नाम पर हम विनाश की ओर आगे बढ़ जाएंगे, और मनुष्यता के नाम पर हम पशुता का आचरण करने लग जाएंगे। फिर पशुओं में, आदमी में, इंसान में अंतर क्या रह गया? तो वहां व्यभिचार वहां बलात्कार किसको गिना जाता है कि माने दोनों में सहमति नहीं है, और फिर यदि कोई यौन संबंध हो रहा है तो उसको व्यभिचार, वहां बलात्कार कहा जाता है, बस एक ही चीज वहां, और किसी को गलत मानते ही नहीं। और यही कारण है वहां अलग अलग जगह 10, कहीं 20, कहीं 25% तक
विवाह से पूर्व ही 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाली बेटियां स्कूल में ही गर्भवती हो जाती है, और उनके साथ में एक अबॉर्शन सेंटर होता है स्कूल के साथ में। तो क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर एक स्कूल के साथ में एक अबॉर्शन सेंटर बनाना पड़े, और विवाह होने के बाद में भी जो है पति पत्नी के संबंधों में पवित्रता ना रहे? तो फिर ऐसा समाज तो किसी काम का नहीं। यदि हमने बच्चों को शिक्षा के साथ में चरित्र निर्माण के मूल्यों की ओर उनका ध्यान नहीं दिया, उम्र के बढ़ने के साथ साथ उनके भीतर जो शारीरिक मानसिक भावनात्मक और हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में हम उनको जागरूक नहीं बनाया, तो फिर वो भटक जाएंगे किधर, या तो ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, या वो दुराचार व्यभिचार और सामूहिक बलात्कार अभी भी रोज आप अखबारों में पढ़ते, कोई ऐसा दिन नहीं जाता टीवी पर रोज ना आए। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर स्टोरी रोज टीवी के ऊपर आए, लेकिन आप हर दिन अखबारों को उठा करके पढ़िए। मैं रोज जब अखबार अलग अलग जगह के पढ़ता हूं उनमें ये आपको हेडलाइन मिलती है, 10वीं क्लास के बच्चों ने, 12वीं क्लास के बच्चों ने, कॉलेज के बच्चों ने एक बेटी के साथ में सामूहिक बलात्कार किया। और ये तो भारत के आंकड़े, 100 में से 30 बेटियां इस देश की बलात्कार की शिकार होती है। क्या हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जहां पर एक भी बहन बेटी की इज्जत आबरू के साथ को छोड़ा ना जाए, हर एक की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाए? तो शिक्षा में संस्कारों को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? तो शिक्षा में योग शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही है? तो दूसरा हमारा पक्ष भारत स्वाभिमान का, शिक्षा में योग शिक्षा को लागू करना। और हमारी एजुकेशन में जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया जाता है जिससे कि हमारे भीतर आत्मग्लानि का भाव पैदा होता है, हमें विज्ञान और तकनीकी के बारे में गलत पढ़ाया जाता है कि हमारी शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, हमारे गौरवशाली अतीत के बारे में हमें यह पढ़ाया जाता है कि भारतीय लोग अनपढ़ थे, गवार थे, विज्ञान और तकनीकी यहां पर शून्य थी, इनको कुछ नहीं आता था, यहां पर कोई विकास नाम की चीज नहीं थी। जो हमें अपने इतिहास के बारे में गलत पढ़ाया जाता है, अपने पूर्वजों के बारे में गलत बताया जाता है, ये घोर शर्म और अपमान की बात है कि आजाद भारत में भी अपने पूर्वजों को गाली दी जाती है और हम मौन होकर के और स्वीकार करते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, इसको दूर करना है। शिक्षा में सुधार दूसरा हमारा जो सामाजिक जो हमारा दर्शन है। लोग कहते हैं ना बाबा एजेंडा क्या भारत स्वाभिमान का, भारत स्वाभिमान की फिलॉसफी क्या है, उसका सामाजिक और राजनीतिक दर्शन क्या है, और इस व्यवस्था को देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं चलाती हैं। देश का एजुकेशन कैसा हो ये आप और हम तय नहीं करते हैं। ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, ये सामाजिक व्यवस्थाएं कौन तय करते हैं? राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं। इसलिए सामाजिक व्यवस्था जहां से चल रही है उस राजनीतिक व्यवस्था तक हम कैसे जा रहे हैं आगे बता रहे हैं। स्वदेशी, स्वदेश की भाषा, आजादी के 62 वर्षों बाद भी हमें अपने देश की भाषा में हमको न्याय नहीं मिलता। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अंग्रेजी में ही होते हैं। विज्ञान और तकनीकी की संपूर्ण शिक्षा हमारे यहां पर अंग्रेजी में ही होती है। पिछले कुछ वर्षों में IAS PCS की जो परीक्षा होती है, ये इसको बोलते हैं हमारे प्रशासनिक सेवाएं, इसमें हिंदी को मान्यता पिछले शायद 15-20 वर्षों पहले, 18 साल पहले मिली है। नहीं तो इससे पहले प्रशासनिक सेवाओं में आपको जो है केवल अंग्रेजी में ही आपको परीक्षा देनी पड़ती थी, एग्जाम देना पड़ता था। अब केवल 2 भाषाओं में हो पाया है, केवल 2 भाषाओं में हो पाया, हिंदी और अंग्रेजी। लेकिन बाकी विज्ञान और तकनीकी की संपूर्ण शिक्षा केवल अंग्रेजी में दी जाए, ये तो बहुत शर्म और अपमान की बात है। पूरे विश्व का कोई भी सभ्य देश अपने देश के नागरिकों को विदेशी भाषा में शिक्षा नहीं देता है। हम अपने देश में, ये हमारा मुद्दा है, स्वदेशी से स्वावलंबी भारत बनाना, स्वदेशी से स्वावलंबी और स्वाभिमानी भारत बनाना। भाषा अपने देश की, भाव माने संस्कार, संस्कृति, सभ्यता, मूल्य, आदर्श, परंपराएं। भाव भाषा, भाव माने सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, मूल्य, आदर्श। हमारी
सामाजिक मान्यताएं, हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक मान्यताएं, हमारे मूल्य, हमारे आदर्श, हमारी परंपराएं, वो विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति विश्व की श्रेष्ठतम संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, सबसे प्राचीनतम परंपरा है, वैज्ञानिक परंपरा है, सार्वभौमिक परंपरा है। उसके ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। तो हमारे मूल्यों को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के, हमारे आदर्शों को लेकर के, और हमारे देश के लोगों में हीन भाव पैदा किए जाएं, ये हम स्वीकार नहीं करते। कोई भी देश आगे बढ़ता है तो स्वाभिमान के द्वारा ही आगे बढ़ता है। जिस देश के लोगों में स्वाभिमान नहीं होता, जिस देश के लोगों में पराक्रम नहीं होता, जिस देश के लोगों में शौर्य नहीं होता, वो देश और उस देश की आजादी कभी लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। वो मिट जाता है, वो देश मिट जाती है, वहां की संस्कृति। अब हमें एक बहुत मजबूत देश बनाना है, भारत को विश्व की महाशक्ति बनाना है, विश्व की सर्वोच्च शक्ति बनाना है। अब विश्व की महाशक्ति बनने के लिए, हमें सुपर पावर बनने के लिए स्वाभिमान चाहिए। और स्वाभिमान कहां से आएगा? भाषा से आएगा। स्वाभिमान कहां से आएगा? भावों से आएगा, भाव से, विचार से। भाव माने विचार, विचार माने वो मूल्य, वो आदर्श, वो संस्कृति, वो परंपराएं, वो हमारी सभ्यता, वो हमारे सिद्धांत, वो हमारा जीवन दर्शन, जिसकी पूरी दुनिया कायल थी और आज हम आत्मग्लानि के शिकार हो गए ना। भूषा, अपने देश की वेशभूषा, हमारे देश की वेशभूषा बहुत सुंदर है, बहुत पावन है, और उसमें सभ्यता के नाम पर पशुता का आचरण नहीं है। लोग कहते हैं जितना नंगा रहो उतना ही सभ्य होता है। तो हम हमारी गांव गांव की गाय भैंस पूरी नंगी रहती है तो ज्यादा सभ्य होगी। तो सभ्यता के नाम पर पशुता का आचरण ये उचित नहीं है। और हमारी वेशभूषा में, चाहे वो सलवार कमीज है, चाहे वो साड़ी है, चाहे वो कुर्ता पजामा है, चाहे वो धोती है, चाहे वो हमारी पगड़ी है, चाहे हमारी वो अलग अलग टोपियां हैं अलग अलग प्रांतों में, वो उसमें अपनत्व है, उसमें ममता है, उसका एक गौरवशाली इतिहास है। अब हमारे सिख भाई जो पगड़ी पहनते हैं, इसके पीछे हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम जुड़ा हो। यदि गुरु गोविंद सिंह ना होते तो आज भारतीय संस्कृति का शायद वो उत्कर्ष नहीं होता, उसका नामो निशान मिट गया होता। यदि गुरु गोविंद सिंह ने अपनी शहादत ना दी होती, संघर्ष ना किया होता, अपना और अपने पुत्रों का बलिदान ना दिया होता, हाँ, और केवल इतना ही नहीं, न जाने कितने हजारों हजारों लाखों लाखों हमारे सिख भाइयों ने अपनी पगड़ी और इस देश का स्वाभिमान जीवित रखा। इसके पीछे का बहुत गहरा इतिहास है। ये एक हमारी संस्कृति और हमारे देश का स्वाभिमान, देश की आजादी का गौरव इनके साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी पगड़ी और हमारे सिख भाई ने क्या है, आज पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमारे सिख भाई रहते हैं तो उन्होंने अपने सिर को नहीं झुकने दिया और अपनी पगड़ी को नहीं उतरने दिया। चाहे वो यूके में गए, यूएसए में गए, कनाडा में गए, बहुत सी जगह बाधाएं आई, बोले स्कूल में आप पगड़ी पहन करके नहीं आ सकते, उन्होंने उसको स्वीकृति दिलवाई। ये स्वाभिमान है। और अभी बात खाली छोटी छोटी बातों के ऊपर चल रही है, आपको आगे इसमें जोड़ेंगे। भूषा, वो हमारा हमारे अपने भारतीय वेशभूषा होनी चाहिए, उसमें बहुत आग्रही नहीं होना चाहिए कि केवल धोती और जो है ऊपर का उत्तरीय कुर्ता, जैसे दक्षिण में कुछ लोग पहनते हैं ना, नीचे भी धोती ऊपर भी धोती, मेरे मैंने लाल पहनी हुई, सफेद पहनते, बोले यही भारतीय वेशभूषा है। थोड़ा सा हमें युग के साथ थोड़ा सा तो परिवर्तित होने की आवश्यकता है। और माना, अब इसमें अति आग्रह भी मत रखना। अब किसी को जींस पहने देख लिया तो एकदम कड़ी कड़ी निगाहों से देखने लगते हैं। धीरे धीरे इस चीज को करना है, तालिबानी सोच नहीं रखना। हा? जींस पहन ली, हे तो बेआबरू हो गया है, इसने तो धर्म को तिलांजलि दे दी है। अरे इसके जींस तो अभी नहीं बदले हैं, जींस तो बदली है, वो ठीक हो जाएगी। इसके अंदर के जीन तो अभी हैं तुम्हारे वाले ही, तो कोई बात नहीं,
पहले इसके अंदर के जीन ठीक करो, जीन्स तो अपने आप चेंज हो जाए। तो उसको उसको थोड़ा धीरे धीरे बदलो, एकदम से ऐसे नहीं। किसी ने कोई पेंट पहन रखी है तो एकदम से हम उसके ऊपर घोर आपत्ति जताने लगे, ऐसा नहीं। हमें प्राथमिकता इन चीजों को देनी, धीरे धीरे ये चीजें विकसित होंगी। भाषा, भाव, भोजन। तो भाषा, भाव, भूषा, भोजन, भेषज, भूमि का स्वाभिमान। भोजन, भारतीय भोजन। भेषज, भारतीय चिकित्सा, भारतीय औषधीय परंपरा, चाहे वो योग है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा है, चाहे वो सिद्धा है, चाहे यूनानी है, चाहे पंचकर्म है, षटकर्म है। हमें आपत्कालीन चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, जीवन रक्षक औषधियां, ये एलोपैथ से लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अपने देश की भेषज के ऊपर। अब मैं इसको तीन शब्दों में समेटूं तो वस्तु, विचार और वस्त्र। वस्त्र, वस्तु जो भी हम प्रयोग में ला रहे हैं, और विचार वो स्वदेश का। स्वदेशी का अर्थ खाली वस्तु नहीं है, पेन, घड़ी, इतना ही नहीं कि मैंने जो है ये टाइटन की घड़ी रखी हुई है, टाटा की घड़ी रखी हुई है, मैंने कलम जो है भारतीय रखी हुई है, खाली मेरा जूता, चप्पल, साबुन, टूथपेस्ट, ब्रश, इतना ही नहीं। स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी वस्त्र यदि हम प्रयोग करने लग जाएं तो इस देश के हम यदि 10% लोग, 20% लोग ही खादी वस्त्र, स्वदेशी में भी खादी वस्त्र ये अलग, एक मशीन से बना हुआ वस्त्र। अब इसमें अति आग्रह नहीं रखना, कोशिश करें हम धीरे धीरे हाथ से बना हुआ वस्त्र ज्यादा लोग पहने, तो उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वावलंबन मिलेगा, उससे समृद्धि आएगी। देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें स्वावलंबन आएगा, उनमें स्वाभिमान जगेगा, उनको भी जीने के संसाधन मिलेंगे, अधिकार मिलेगा। तो एक ये स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेश का विचार, स्वाभिमान। चौथी बात, ग्रामीण स्वावलंबन। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खाद्यान्नों में, खाद्य तेलों में, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, सड़क की बात हो, धीरे धीरे इसमें कुछ कार्य तो हो रहा है, लेकिन कुछ कार्य लगभग लगभग जीरो, शून्य स्तर पर है। जैसे पानी का प्रबंधन, उसको आगे हम लेंगे। इसलिए ग्रामीण स्वावलंबन हमारा एक विषय है कि जब तक भारत का गांव समृद्ध नहीं होता, जब तक भारत का गांव, गांव के अंदर विकास नहीं होता, जब तक ग्रामीण जीवन हमारा उन्नत नहीं होता, तो तब तक जो है हम एक भारत के विकास की बात शायद एक धोखा होगी। जल प्रबंधन एक बहुत बड़ा विषय है। यदि जल प्रबंधन ठीक हो जाए, एक तो पीने का पानी, एक खेत में दिया जाने वाला पानी, जल प्रबंधन यदि ठीक हो जाता है तो हम इस देश में 10 से 20 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त आमदनी जोड़ सकते हैं। 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, 10 से 20 लाख करोड़ अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। कैसे? सीधा सा हिसाब है, यदि जल ठीक से मिल जाए तो हमारे देश में कितने किसान परिवार हैं? करीब हमारे देश के अंदर करीब करीब जो है 10 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार है। और यदि उनके ऊपर आधारित, उन पर आश्रित यदि मजदूरों को भी जोड़ दिया जाए तो 20 करोड़ हो जाएंगे। यही लोग मिलकर के करीब 84 करोड़ होते हैं। फिर तो ये 10 से 20 करोड़ जो परिवार हैं, जो किसानों और कृषि पर आश्रित, जिन गरीब मजदूरों का जीवन जिस कृषि पर चलता है, किसानों के साथ में जिनका जीवन चलता है, उन लोगों, वो लोग यदि उनको के खेतों को पूरा पानी मिल जाए तो 50,000 से 1,00,000 रुपए उनको अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। ये सीधी सीधी बात है। पूरे देश का हमने इसके ऊपर जो है
पूरा का पूरा हमने उसका मूल्यांकन किया, उसको देखा, उसको महसूस किया, उसके ऊपर सर्वे किया, तब बता रहे इस बात को। तो यदि वो 50,000 रुपए कमाते हैं तो करीब 10 लाख करोड़ रुपए, यदि वो 1 लाख कमाते हैं तो करीब, हम मैंने कहा टोटल लोग तो हम 10 से 20 लाख करोड़ रुपए, मैंने औसत बताया कि अतिरिक्त आमदनी देश को हम दे सकते हैं विकास दर में। लोग कहते हैं विकास विकास होना चाहिए, तो विकास कहां से होगा? पानी से होगा, जल प्रबंधन से, स्वच्छता। यदि देश में स्वच्छता आ जाए, आज अन्न फल जल नदियां शाक सब्जियां खाद्यान्न खाद्य तेल ये सब दूषित हो गए। खाद्यान्न खाद्य तेल फल शाक सब्जियां जल वायु जो हम हवा ले रहे हैं ये भी गंदी हो गई, इतना ज्यादा पोल्यूशन। पूरी दुनिया में जिन फैक्ट्रियों को लगाने के लिए कहीं अनुमति नहीं है, ऐसी सारी वो विषैली और जहरीली फैक्ट्रियां जो जहर और विष उगलती हैं, उन सबको हमने भारत में अनुमति दे रखी है। उन तमाम फैक्ट्रियों को जो विकास के नाम पर विनाश कर रही हैं और आने वाले भारत के लिए युगों युगों तक जो विनाश की बीज बो रही हैं, उन सबको एकदम यहां से बंद कर देना चाहिए। आपने एक किस्सा तो सुना था, वो आपने कहां का, भोपाल का कौन सी हो? तो यूनियन कार्बाइड, ये ऐसी ऐसी कंपनियां इतनी विषैली गैसें छोड़ती हैं कि उससे कितने लोगों का विनाश हुआ, ये तो एक बात है। ऐसी तो जहरीली गैसें छोड़ने वाली हमारे हरिद्वार से लेकर के, जो हरिद्वार पवित्र माना जाता था उसको भी दूषित कर दिया, हरिद्वार से लेकर के और पूरे अनेक शहरों में मैंने देखा, जिन जिन जहां जहां बोलते हैं औद्योगिक विकास हुआ है, चाहे वो बोकारो था, चाहे वो जो है कोरबा था, चाहे वो औरंगाबाद है, चाहे कहां कहां किस किस के नाम गिनाओ, जहां जहां बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत हुआ है, वो विकास के नाम पर जो है पूरे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह की ऐसे विष छोड़े जा रहे हैं जिससे आने वाले युगों युगों तक, सदियों सदियों तक भारत को वो परिणाम झेलना पड़ेगा, इतना खतरनाक कि आने वाली पीढ़ियां हमारी कैंसर से पीड़ित होंगी। बच्चों को जेनेटिक कैंसर होना शुरू हो जाएगा, पैदा होते ही कैंसर, बच्चों को ब्लड कैंसर, फिर ब्रेन ट्यूमर, फिर हार्ट अटैक, फिर जो है उनको टीबी, ऐसे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स, उनको न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स, न जाने कितनी कितनी खतरनाक बीमारियां इतनी जबरदस्त होने वाली हैं कि आने वाली पीढ़ियां हम को गालियां देंगी और हमको वो हम पर गौरव ना करके हम पर ग्लानी महसूस करेंगे कि हमारे पुरखे हमारे पूर्वज करके क्या गए, कैसा भारत छोड़ के गए हमारे लिए। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हम खाली ये बात करें कि पैसा कितना आएगा, अरे ये भी तो सोचो कि जो है आज हर गली में प्लास्टिक मिलेगी, तो हमें ये प्लास्टिक की गंदगी है, चाहे खाद्यान्न खाद्य तेल शाक सब्जियां जल नदियां वायु सब जो गंदा हो रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा मजबूती से काम करने की आवश्यकता है। 1 किलो प्लास्टिक में 1 लीटर डीजल या पेट्रोल बन जाता है और उसकी मशीन भारत में तैयार हो चुकी है। एक एक जिले में यदि एक एक मशीन लग जाए तो पूरे खाली 600 जिलों में मशीन लगाने की जरूरत है। तो भारत के से ये प्लास्टिक की समस्या और बहुत बड़ी गंदगी दूर हो जाए खाली 600 जिलों में, और इससे इसका हमारे सेहत पर और इस धरती के ऊपर कितना कुप्रभाव पड़ रहा है उसका आर्थिक उसका मूल्यांकन करेंगे, उसका पर्यावरण की दृष्टि से मूल्यांकन करेंगे तो वो बहुत बहुत गहरा है। पर्यावरण की दृष्टि से उसको देखो, रोगों की दृष्टि से उसको देखो, और ऐसे भी गंदगी तो बहुत खराब लगती है, और जो है इसका आर्थिक मूल्यांकन करो फिर गंदगी का, इससे देश का कितना आर्थिक नुकसान होता है, उससे कितने लोग बीमार होते हैं। अब दूषित वायु लेकर के देश के करोड़ों लोगों को कैंसर हो रहा है, दूषित अन्न खा करके ये जो फर्टिलाइजर्स
ये तो पेस्टिसाइड्स, ये सब जो खेतों में डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इससे तो समृद्धि आ रही है, समृद्धि का आ रही है। 5 लाख लोग तो हर साल कैंसर होकर के मर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए बीमारियों में खर्च हो रहा है, कहां समृद्धि आई है? विकास के नाम पर झूठे सपने। ये तो बात, मैंने ऐसी चीजें देश को बताई जा रही है, उल्टा गणित सिखाया जा रहा है, उल्टे आंकड़े दिए जा रहे हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है विकास के नाम पर, जो कहीं ना कहीं देश को ठगा जाता है, देश को धोखा दिया जाता है, देश के साथ छल किया जाता है। जैसे मैं कह रहा था, लोकतंत्र के नाम पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो जाता है, शासन के नाम पर कहीं ना कहीं जो शोषण हो जाता है, इसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वच्छता, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे को मैं कहूं कि यदि जो आपके और हमारे द्वारा जो दिया हुआ पैसा है, देखो सरकार के 2-4 प्रकल्पों को छोड़ दें, जैसे एक तो BHL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अब ये BHL को छोड़ दो, एक जो है ये सेल को छोड़ दो, BHL सेल जैसे 2-4 संस्थान गवर्नमेंट को छोड़ दो, उनको छोड़ करके बाकी शेष गवर्नमेंट कहीं से भी इनकम नहीं करती, तो ये पैसा कहां से आता है? गवर्नमेंट कहते नहीं, सरकार का पैसा है, ये सरकार का सारा पैसा किसके द्वारा दिया गया है? आपके और हमारे द्वारा दिया गया है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करीब 64 प्रकार के टैक्सों का पैसा है। उसको क्या करते हैं, ये सारा देश कमाता है और कुछ बेईमान उसको भ्रष्टाचार में कुछ खुद खा जाते हैं, कुछ अपने जो चाटुकार है उनको बांट देते हैं। भ्रष्ट बेईमान नेता, भ्रष्ट और बेईमान ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट बेईमान उनके दलाल, उनके चाटुकार सब मिलकर के देश की मलाई चाट रहे हैं। पूरा देश कमाता है, अपनी कमाई का 30-50% ये लोग ले जाते हैं, पूरे देश की कमाई का। तो हमारा हक है कि हम अपना हक अपनी आंखों के सामने किसी को ना लूटने दें। हमने देश के लिए, देश का के लोगों ने पैसा दिया था, तो भ्रष्टाचार एक बात अब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो भ्रष्टाचार करके अभी तक इन पिछले लगभग 62 वर्षों में जो आजादी के पहले देश की लूट हुई, वो तो हिसाब किताब शायद हम ना ले पाए, शायद उसके लिए भी हमें संघर्ष करना चाहिए। आज भी हमारी लूट की सामग्री वो पूरी की पूरी प्रदर्शनी लगाई हुई है, कहां आप हम यूके में जाके देखिए, मैंने देखा अपनी आंखों से, बड़ा खून खोलता है कि हमारे लूट का सामान और हमें दिखा रहे हैं, वो तो हमारा हक है। कोहिनूर सहित भारत की तमाम संपत्ति हमें वापस लाने का हक है, क्योंकि वो लूट करके लेके गए थे, वो उनकी संपत्ति नहीं थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसमें चाहे मुकदमा चलाना पड़े, अरे ये तो सारी दुनिया को पता है कि हमारी संपत्ति थी। रॉबर्ट क्लाइव ने करीब 900 सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात के जहाज, और उसके बाद कितने अंग्रेज अधिकारी आए, सबने इस देश को लूटा, बहुत वैभवशाली था भारत, माने हम पूरी दुनिया में व्यापार में हमारी सहभागिता करीब 33%, और उसमें हम सारी दुनिया को वस्त्र आदि बेचते थे, दूसरे सामान बेचते थे, उसके बदले हमें सोना चांदी हीरे जवाहरात मिलते थे, हमारे घर हीरे जवाहरात सोने चांदी से भरे हुए होते थे। आज से 30-40 साल 50 साल पहले भी आपने सुना होगा, घरों में लोग सोना चांदी भर के रखते थे, उनको जमीन में गाड़ के रखते थे या दीवारों में गाड़ के रखते थे, पहले ये कागज के नोट नहीं चला करते थे, करेंसी सोने चांदी में ही होती थी, व्यापार इसी में होता था, व्यवहार इसी में होता था। हमारा पहले जो लूट के लेके गए उसका बदला तो हम कितना ले पाएंगे, इसको कितना वापस ला पाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन आजादी के बाद जो अपनों ने हमको लूटा है, और 72,80,000 करोड़ रुपए तो स्विस बैंकों में और तमाम करीब दूसरे देशों में, एक जो है 72,80,00,000 करोड़ तो एक स्विस बैंकों की बात है, करीब ये 72 लाख से ज्यादा 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा, 72,80,000 करोड़ तो एक स्विस बैंकों की बात है, 100 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा बाहर जमा है। तो हम पूरे देश में, हम ये हमारा ये सामाजिक मुद्दा है, ये हमारा राष्ट्रीय मुद्दा है,
और इसको हम पूरे देश में उठाएंगे। इसके लिए हम ये जनमत संग्रह कर रहे हैं, जनशक्ति को संगठित कर रहे हैं, ये हमारा मुद्दा है। स्विस बैंकों सहित जितने भी विदेशी बैंकों में भारत का काला धन जमा है, उस देश के धन को देश में वापस लाएंगे। ये हमारा एक बहुत बड़ा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दा है हमारा। और ये पैसा इतना वापस आ जाता है तो देश की बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, बेबसी, लाचारी एक दिन में दूर हो जाती। इतना बड़ा, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इसको हमें समझाना है, देश के लोगों को कन्विंस करना है। करीब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स 64 प्रकार के हैं। हम इसके बारे में एक ही बात, हम कुल कुछ निष्कर्ष पर ऐसे पहुंचे कि क्या करना चाहिए। अभी समान रूप से हमें ये भ्रष्टाचार एकदम तो खत्म नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। वो लोग सारा देश कमाता है और डिसाइड कौन करता है? एक मुख्यमंत्री सारे बजट को डिसाइड करता है, उसका एक नामचारे का एक कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, उसमें भी उसके अनुकूल ही लोग होते हैं, नहीं तो चला भी नहीं सकता। तो एक राज्य का एक मुख्यमंत्री तय करता है कि यह पैसा कहां खर्च होना चाहिए पूरे प्रांत का। एक प्रधानमंत्री और उसका फिर वित्त मंत्री, दो चार उसके कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर के तय कर लेते हैं, कुछ सेक्रेटरीज उसमें मिल जाते हैं कि पैसा कहां खर्च होना चाहिए। तो क्या इस देश के करोड़ों लोग बेवकूफ हैं, अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं? क्या उनके पास कोई बुद्धि नहीं है? क्या उनके पास कोई संवेदनशीलता नहीं है? क्या उनको कर्तव्य बोध नहीं है? तो उनके ऊपर क्या हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है? यदि देश के लोगों पर हमको भरोसा नहीं है तो हमें इन नेताओं पर उससे भी कम भरोसा है। यदि देश के लोगों पर भरोसा है, अरे वो कमा के दे रहे हैं तो उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? तो हमने एक एक सिस्टम बनाया कि टैक्स अभी कितना परसेंट होता है, करीब औसतन 30% तो सभी देते हैं जो है इनकम टैक्स। अब बाकी सर्विस टैक्स और सारी चीजें जोड़ोगे तो गड़बड़ बहुत हो जाएगा। औसत मान लो 30% तो सभी दे ही रहे हैं लगभग। 30% में जितना भी टैक्स हम देते हैं, डायरेक्ट टैक्स, उसमें से ऐसा कर दिया जाए कि एक आदमी को माना कि वो उसने जो है 1,00,000 रुपए, जो सरकार की सीमा है 1,50,000 रुपए से ऊपर टैक्स लगता है ना, 1,50,000 से ऊपर माने उसने 1,00,000 रुपए कमाए, तो 1,00,000 रुपए में से गवर्नमेंट को कितने देने? 30,000 देने। ये सबकी समझ में आने वाला आंकड़ा है। तो हम कहते हैं कि 15,000 वो जो है सीधा गवर्नमेंट को दे, और 15,000 उसको छूट होनी चाहिए कि अपने आस पड़ोस के गांव में शिक्षा के लिए, गरीबों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, असमर्थों को उठाने के लिए, देश के गरीबों के हालात को ठीक करने के लिए, देश की गरीबी, बेबसी, लाचारी के लिए, क्योंकि वो जहां जी रहा है उसके आस पड़ोस के समाज का उसको बहुत अच्छी तरह से पता है, वहां के ग्रामीण विकास के लिए, गांव के जल के प्रबंधन के लिए, यदि उसको 50% खुद छूट दे दी जाए खर्च करने की, तो ये देश की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। दे रहा है ना, खर्च कर रहा है वो, गवर्नमेंट कहेगी जी हम खर्च करेंगे, क्यों? बोले हमारे पास खर्च करने का सिस्टम है। खर्च करने का नहीं, तुम्हारे पास लूटने का सिस्टम है। हम जो वहां गवर्नमेंट में 1,00,000 रुपए देते हैं तो वापस कहां आता है? वो वापस हमारे गांव में आता है, हमारे गांव के विकास के लिए, हमारे मोहल्लों के लिए, हमारी शिक्षा के, स्वास्थ्य के लिए, हमारे हॉस्पिटलों के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए। यही तो तर्क देते हैं ना कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, रोड, पानी, बिजली, सड़क, इसके लिए खर्च करते हैं। तो भाई वो खर्च करेंगे तो उसमें से 100 में से हमें 10-20 रुपए मिलेंगे और हम पूरा का पूरा खर्च कर रहे हैं। ऐसा करने से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको लगेगा कि वो सीधा देश की सेवा कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है, और ये पूरे देश को समझ में आएगी बात, हम पूरे देश को समझाएंगे कि, और उसके हम वाउचर्स बनवाएंगे, बिल बनवाएंगे, और उस जिले के जितने भी लोग जो ये 50% जिनको छूट दे रहे हैं उनको एक कमेटी बना देंगे वहां लोकल लेवल पर, प्राइवेट लोगों की, गवर्नमेंट की कमेटी नहीं,
प्राइवेट लोगों के, टैक्स पेयर्स ने डिसाइड कर दिया कि जिले में ये तहसील में ये 5 लोगों की 11 लोगों की कमेटी है, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं वो 50% अपने आस पड़ोस के गांव, एक व्यक्ति दो गांव चार गांव पांच गांव को गोद ले लेगा, एक व्यक्ति किसी स्कूल को गोद ले लेगा, किसी पार्क को गोद ले लेगा, किसी एक मोहल्ले की सफाई का वो खुद उस वो जो है उसका खर्चा उठा लेगा, तो उसको लगेगा मैंने इस देश के 5 गांव के लोगों को हेल्थ दिया, उनको एजुकेशन दिया, मैंने इस देश को स्वच्छ बनाने में मदद की, मैंने इस देश को स्वस्थ बनाने में मदद की, मैंने इस देश को ऊंचा उठाने में मदद की, मैंने कुछ लोगों को बेरोजगारों को रोजगार दिया, तो उसको संतुष्टि होगी। तो जब पैसा उसका है तो उसको क्रेडिट उसको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये क्रेडिट लेते हैं बेईमान लोग, वो क्यों, आप कहेंगे जी क्यों ऐसा करना चाहते हैं, वो सारा पैसा लेकर के और ये खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमने पैसा खर्च किया। अरे देश के लोगों का पैसा उनको खर्च करने दो विकास के नाम पर, इसमें दिक्कत क्या? ये तो सीधी सीधी बात है, इसमें दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत यह है कि देश के लोग जब देश के लिए पैसा खर्च करने लगेंगे तो ये लोकप्रिय हो जाएंगे, इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बच जाएगी, देश के प्रति इनके भीतर स्वाभिमान जाग जाएगा, बीच में बेईमानी नहीं हो पाएगी, लूट खसोट नहीं हो पाएगी। तो हम, ये हमारा टैक्सेशन में सुधार है, 50% तुम उसमें से, हम कोशिश करेंगे तुमको उसमें भी ना लूटने दें, लेकिन 50% भी देश का पैसा देश के विकास में लग जाए तो भारत की दशा और दिशा 5 वर्षों में ही बदल सकती है ये पूरा। और लोग टैक्स भी डबल देने लग जाएंगे, जो गवर्नमेंट को अभी टैक्स जा रहा है उनसे डबल टैक्स जाने लग जाएगा, लोगों को लगेगा अगर 50% हमें खर्च करने को मिल ही रहा है। हमारे यहां लोग टैक्स दे करके भी दान देते हैं ऊपर से, और वो सीधा ही उनको दान हो गया उनका। तो देश के लोगों की विकास में सीधी सहभागिता, इससे क्या होगा, अमीर लोग गरीबों की, बेरोजगारों की, जो अभाव में, पीड़ा में, बेबसी में, लाचार में जी रहे उनकी सेवा करेंगे, तो गरीबों और अमीरों के बीच का, स्वर्णों का और पिछड़ों के बीच का जो संघर्ष है वो भी खत्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। आज गरीब और अमीर में बहुत दूरियां पैदा कर दी हैं कुछ बेईमान लोगों ने। 9वीं बात, सामाजिक न्याय, पुलिस प्रशासन, भारत की न्याय व्यवस्था, भारत के कानून जो अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है। हमें चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट है, चाहे वो राइट टू डिफेंस, हमें अपनी सुरक्षा का अधिकार ही नहीं है। कानून ऐसे बना दिए गए हैं किसी को बुढ़ा के जेल में ठोक दो, कानून दुष्ट व्यक्तियों को दंड देने के लिए कम, सज्जन व्यक्तियों को सताने के लिए ज्यादा प्रयोग हो रहा है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि जिन कानूनों का, जिन कानूनों को हमारा शोषण करने के लिए, हम पर अत्याचार करने के लिए, जिन कानूनों को लूट मार करने के लिए बनाया गया था, वो आजाद भारत के कैसे कानून हो सकते हैं? सामाजिक न्याय मिले लोग, भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो, भारत की संस्कृति, भारत के मूल्य आदर्श, भारत की परंपराएं इतनी सार्वभौमिक और वैज्ञानिक हैं, हमें किसी बाहर के आयातित धर्म, आयातित संस्कृति और आयातित विचारधारा, आयातित संस्कृति, आयातित विचारधारा, ना हमें मार्क्स और ना लेनिन की जरूरत है, ना हमें और दूसरी तीसरी संस्कृति की जरूरत है। भारत की संस्कृति, भारतीय समाजवाद का दर्शन, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दर्शन इतना परिपूर्ण है कि उसमें हमें बाहर के लोगों के मुंह ताकने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपनी तरह से विकसित होने दो, बस। ये बहुत बड़ा दर्शन है आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना, और ये सारी बेबसी को दूर करने के लिए 100% मतदान, जब सब लोग मतदान करने लग जाएंगे, जो मतदान न करें उनके नागरिकों को, उनके जो नागरिक होने के नाते उनको जो अधिकार प्राप्त हैं और जो उनको सुविधाएं प्राप्त है उससे उनको क्यों ना वंचित कर दिया जाए। एक छोटी सी बात हम देश के लोगों को समझाएंगे। ये 11 मुद्दे हैं हमारे, इनको हम सामाजिक मुद्दे कहते हैं, जिससे कि
देश का राजनीतिक शुद्धिकरण होगा, हम इनको राजनीतिक एजेंडा नहीं कहते। तो कहेंगे जी इनको मानेगा कौन? हम एक एक गांव में अपनी शक्ति खड़ी करेंगे, एक एक मोहल्ले में। आने वाले एक महीने में बहुत बड़ी शक्ति खड़ी करनी है हमें, जून के महीने में। एक वर्ष में हमें बहुत बड़ी शक्ति खड़ी करनी है। हमारे 15 संगठनों के एक संगठन यदि 20 से 30 गांव की जवाबदेही लेगा, 15 संगठन यदि 20 गांव की जवाबदेही लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 300 गांव। और यदि 30 गांव की जवाबदेही लेता है एक संगठन तो कितने हो गए? 450। तो 20 से 30 गांव औसत एक संगठन के हिस्से में आएंगे। 20 से 30 गांव में संगठन को खड़ा करने का दायित्व 15 संगठनों का रहेगा। ये एक महीने में खड़ा कर सकते हैं। 30 एक संगठन में 30-30 लोग तो ऑलरेडी हमारे काम कर ही रहे, युवा हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे चिकित्सक हैं, चाहे एडवोकेट्स हैं। कोई ज्यादा करेंगे, कोई कम करेंगे, औसतन 20 से 30 का एवरेज आएगा एक संगठन के ऊपर। कोई संगठन युवा के हैं, किसानों के हैं, वो ज्यादा भी इसमें काम करेंगे। तो एक महीने से एक वर्ष तक के भीतर ये संगठन खड़ा हो जाएगा। और अभी हम एक वर्ष तक संगठन को पूरा खड़ा करेंगे, एक वर्ष के बाद में या दो वर्षों के बाद में ये हमारा 11 पेज का ये हमारा सामाजिक एजेंडा हम राजनीतिक पार्टियों को देंगे। जो राजनीतिक पार्टियां कहेंगी कि हम इस एजेंडे को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार हैं, उसको हम समर्थन देंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी। तो हम अपना कोई राजनीतिक संगठन खड़ा करने वाले नहीं है। जो इन 11 बातों के ऊपर सहमति जताता है, तो हमारा काम क्या है? जनशक्ति को संगठित करना, देश के लोगों को ये बताना कि ये है विकास का सही मार्ग, यह है देश की समृद्धि का मार्ग, यह है भारत को विश्व की महाशक्ति बनाने का रास्ता। तो ये 11 चीजें हैं। हम इस देश को संगठित करेंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे, देश को जगाएंगे, देश के मूल्य आदर्श परंपराएं जो ढह रही थी उनको विकसित करेंगे, देश का चरित्र निर्माण करेंगे, वैयक्तिक और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। और जब हम खड़े हो जाएंगे मजबूती के साथ, और मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि आने वाले एक वर्ष के भीतर 6,38,365 गांव में और भारत के हर एक शहर में, कस्बे में करीब 10,00,000 कक्षाएं हमारी नियमित चलनी शुरू हो जाएंगी। और पूरी मजबूती से एक ही हमें काम करना है, हमें पूरी शक्ति से अपने आप को संगठित करना है। संगठन में सबसे बड़ी ताकत होती है। लोकतंत्र की परंपराओं को बदलना चाहते हो, लोकतंत्र के नाम पर जो षड्यंत्र चल रहा है उसको बदलना चाहते हैं, तो एक ही काम है, जनशक्ति अपने साथ खड़ी कर लो। जनशक्ति जिस दिन पूरी हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, तो एक नहीं फिर दो दो तीन तीन पार्टियां कहेंगी कि हम इन 11 बातों को मानने के लिए तैयार हैं, फिर उसमें से हम देखेंगे कि इसमें से कौन कितने अच्छे हैं और कितने खराब हैं। तो अब कोई, मुझे लगता है कोई सामाजिक या राजनीतिक भ्रम की स्थिति नहीं। कोई कह देगी जी इसमें तो, कोई प्रत्याशी कहेगा जी मैं तो इन सारी बातों को मानता हूं, उसको जीतना है। भाई प्रत्याशी से बात नहीं बनेगी, क्योंकि पार्ट कभी भी प्रत्याशी नीतियां नहीं बनाते हैं। नीतियां कौन बनाती है? हमेशा पार्टियां बनाती हैं। जो हम राजनीतिक पार्टियों के पास में ये एजेंडा भेजेंगे और इस एजेंडे को जो राजनीतिक पार्टी स्वीकार करेगी हम उसको समर्थन देंगे, चाहे वो लोकल पार्टी हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो। उसकी विश्वसनीयता देखी जाएगी और पूरी ईमानदारी से पूरे देश के सामने उसके साथ बातें की जाएंगी, इन बातों को मानो। तो यह है नए भारत के निर्माण का, भारत के स्वाभिमान को जगाने का मंत्र। अब ये तो हमने 11 मुद्दे रखे, इन 11 मुद्दों के ऊपर मैं अब आपके विचार लूंगा। और सबसे पहले मैं भाई राजीव जी को इस विषय में कुछ कहने, कहो कहो कुछ। मैं दो तीन बातों के ऊपर, एक तो जो है जो मैंने बात कही सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय और शिक्षा के बारे में, दो बारे में आपको 10 मिनट में राजीव जी कुछ बताएंगे थोड़ा आपको, और आपको इसमें बहस में सम्मिलित कर रहा हूं मैं कि ये तो हमारे 11 मुद्दे, इन 11 मुद्दों में और क्या नई चीज जोड़ी जा सकती है। ये सूत्र रूप है, ये विस्तार नहीं है।
जैसे मैं थोड़ा सा विस्तार देने के लिए कि लॉर्ड मैकाले ने भारत के लोगों को वो देखने में भारतीय दिखे लेकिन भीतर से उनके विचार, उनके भाव, उनके संस्कार पूरी तरह से अंग्रेजों जैसे हो जाए, माने वो भारतीय संस्कृति से, भारतीय परंपराओं से, भारतीय सभ्यता से घृणा करने लग जाएं। हैं भारतीय लेकिन वो भीतर से घृणा करने लग जाएं भारतीय संस्कृति से, भारतीय मूल्यों से, परंपराओं से, संस्कृत आदर्शों से, सभ्यता से, और हर चीज में उनको विदेशी अच्छे लगे, हर चीज में उनको विदेशी दर्शन, विदेशी सभ्यता, विदेशी संस्कृति वही उनको सर्वोच्च लगे, ऐसे ऐसे लोग तैयार करने का पूरा षड्यंत्र रचा। तो शिक्षा जो है वो अपनी है ही नहीं जिसको हम पढ़ रहे हैं। जो अक्षर ज्ञान है उसका मेरा विरोध नहीं है, वो ठीक है, विज्ञान और तकनीकी, लेकिन उसके पीछे जो पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ इतिहास है, एक सब्जेक्ट हमारे यहाँ भूगोल है, एक शास्त्र राजनीति शास्त्र है, ये तमाम जो अलग अलग सब्जेक्ट है, तो मैं शिक्षा और कानून व्यवस्था इसके इसको किस तरह से हमें हम पर लादा गया, इसका मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये 11 तो मात्र बिंदु हैं, इनका विस्तार तो बहुत गहरा है, तो दो बिंदुओं के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने के लिए भाई राजीव जी को आमंत्रित कर रहा हूं, और पूरी भारतीय राजनीति के ऊपर, भारतीय इतिहास के ऊपर, भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, भारत की चिकित्सा व्यवस्था से लेकर के जो ये भारत की जो भ्रष्ट व्यवस्थाएं चल रही हैं उन सब के ऊपर, जो इन पिछले 60-62 वर्षों में आजादी के नाम पर हमारे साथ जो धोखा हुआ उसके ऊपर बहुत गहरा अध्ययन भी किया है और उसके ऊपर बहुत अनुशीलन चिंतन भी किया है। तो एक बार अपने सभी योग साधकों की ओर से भाई राजीव जी का बहुत बहुत अभिनंदन भी। और फिर आपको भी आमंत्रित करेंगे इसी बहस में हम। परम पूजनीय स्वामी जी, भारत स्वाभिमान के सभी सम्माननीय भाइयों बहनों, परम पूजनीय स्वामी जी के निर्देश के अनुसार मैं आपको शिक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ी बात करूंगा विस्तार में। मेरी बात शुरू करने के पहले एक कहानी सुनाता हूं आपको, सच्ची कहानी। उस कहानी में मेरी बात का पूरा निष्कर्ष है। कहानी हमारे देश के एक वैज्ञानिक की है, उनका नाम था प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस। आपने सुना, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए अपने भारत देश के। हम सभी भारतवासियों को उनके ऊपर बहुत गर्व है, गौरव है। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने एक रिसर्च किया था, वो भी आप सब जानते हैं कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये भी मनुष्यों की तरह से सुख दुख के भागीदार होते हैं। पेड़ों में, पौधों में वैसा ही जीवन है जैसा मनुष्यों में होता है। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से हंसते हैं, रोते हैं, खिलखिलाते हैं। पेड़ पौधे भी आपकी तरह से दुखी होते हैं, सुखी होते हैं। सब कुछ उनमें मनुष्यों जैसा ही होता है, बस इतना ही है कि भाषा नहीं है उनके पास, बाकी सब है। ये काम करने के लिए प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस ने अपने घर में एक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, उसकी कहानी है। उन्होंने क्या किया, अपने घर में गमले लाए, गमले आप समझते हैं जिसमें पौधे लगाते हैं, तो घर के दो हिस्से कर दिए उन्होंने। एक हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे उसमें लगाए, दूसरे हिस्से में कुछ गमले रखे, कुछ पौधे लगाए। प्रोफेसर जगदीश चंद्र बोस क्या करते थे, रोज सवेरे उठते थे और एक तरफ के जो पौधे वाले गमले हैं उनको गालियां देते थे, तुम नालायक हो, तुम निकम्मे हो, तुम नकारा हो, तुम बदसूरत हो, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तुम्हारे अंदर कोई भी अच्छी बात नहीं है, ये खूब गालियां देते थे पौधों के सामने। दूसरी तरफ के पौधों के सामने जाके वो उनकी इतनी बढ़ाई करते थे, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत सद्गुणी हो, तुम्हारे अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, तुम्हारे अंदर इतनी खूबियां हैं, तुम्हारा इतिहास बहुत ऊंचा है, तुम्हारा भूगोल बहुत अच्छा है, इस तरह की अच्छी अच्छी बातें करते थे। 6 महीने लगातार प्रोफेसर साहब ने यह परीक्षण किया, परिणाम जानते हैं क्या हुआ, जिन पौधों को वो गालियां देते थे वो सब मुरझा गए
और जिन पौधों की वो प्रशंसा करते थे, बढ़ाई करते थे, वो सब खिल खिला के दोगुनी रफ्तार से बढ़ने लगे। इस पूरी कहानी से जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जब किसी को गालियां दी जाती हैं और किसी को नीचा दिखाया जाता है तो वो मुरझा जाता है, और जब किसी की बढ़ाई की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे लोगों के साथ ऐसा ही हुआ। 200 से 250 साल अंग्रेजों ने हमको गालियां दी, तुम भारतवासी निकम्मे हो, नालायक हो, नकारा हो, तुम्हारी संस्कृति खराब है, तुम्हारी सभ्यता खराब है, तुम्हारे अंदर कोई दर्शन नहीं है, तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास तकनीकी नहीं है, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम्हारी सभ्यता ही पूरी चौपट है। ये अंग्रेजों ने हमको 200 से 250 साल कहा। एक अंग्रेज ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, फिर चौथे ने कहा, फिर पांचवें ने कहा, फिर एक अंग्रेज आया जिसका नाम था टीबी मैकॉले। उसने कहा कि एक एक अंग्रेज आता है और भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो परमानेंट गाली देने वाली हो। एक अंग्रेज आया, जैसे रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने ये सब भारतवासियों को सारे बुरे बुरे जो भी बातें हो सकती हैं वो कहीं भारतवासियों को, भारतीय चोर थे, हाँ चोर थे, डकैत थे, लुटेरे थे, लुच्चे थे, लफंगे थे, लंपट थे, सारी बुरी गालियां, गाय का मांस खाते थे। हाँ अच्छा देखो, कोई भी हिंदू इस बात को मानने के लिए, कोई भी भारतीय आर्य इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हो सकता। आज भी इस देश में हिंदू आर्य कुछ भी कहिए उनको, वो भी मांस खाते हैं, लेकिन आज तक मैंने एक भी हिंदू को गो मांस खाते नहीं देखा। तो ये कैसे हो सकता है कि पहले खाते थे, लेकिन आज तक हमें अभी भी पढ़ाया जा रहा है हमारी पाठ्य पुस्तकों में, अभी भी है। जी राजीव जी, और इसी तरह से एक सबसे बड़ी गाली जो हमको मिली, मैं सभी गालियों में सबसे खराब मानता हूं उसको, कि हम आर्य लोग बाहर से आए और हमने भारत के द्रविड़ों के ऊपर आक्रमण और हमला करके कब्जा कर लिया, और द्रविड़ों को मारते मारते दक्षिण भारत में धकेल दिया और पूरे उत्तर भारत पर आर्यों ने कब्जा कर लिया। ये सबसे बड़ी गाली है जो हमें 250 साल अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों के पहले यही गाली हमको फ्रांसीसी देते थे, ऐसी गालियां देते थे हम, और अभी भी दी जा रही है। और फ्रांसीसियों से पहले ये गाली हमको पुर्तगाली लोग दिया करते थे। माने पिछले 500 साल से अगर आप ध्यान से देखें, सुने, समझें, तो हमको इसी तरह की गालियां दी गई। अब वो गालियां सुनते सुनते एक अंग्रेज आता था, गालियां देके जाता था, दूसरा आता था, देके जाता था, तीसरा आता था, देके जाता था। एक टीबी मैकॉले नाम का अंग्रेज आया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया, विचार आया कि ये एक एक अंग्रेज भारतवासियों को गाली देता है, कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ जो भारतवासियों को परमानेंट गाली देने वाली हो। उस व्यवस्था को उसने कहा एजुकेशन, उसी का नाम है शिक्षा व्यवस्था। और ये वो 1840 में देके चला गया, इंडियन एजुकेशन सिस्टम। हाँ, एक कानून बनाया उसने। जब वो भारत में आया तो यहां जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल, आज उसकी हैसियत है प्रधानमंत्री की। आज का जो प्रधानमंत्री है, अंग्रेजों के जमाने में वो गवर्नर जनरल होता था। तो गवर्नर जनरल की काउंसिल का वो मेंबर होके आया था और उसको बहुत अधिकार थे टीबी मैकॉले को। टीबी मैकॉले के लिए जो पत्र भेजा गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत के गवर्नर जनरल को, उसमें एक वाक्य लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति जो विचार व्यक्त करेगा वही नीति बन जाएगी। इतनी ऊंची अधिकार और अथॉरिटी के साथ उसको भेजा गया। तो मैकॉले ने आके जो सबसे खराब काम एक किया हमारे हिसाब से और अंग्रेजों के हिसाब से सबसे अच्छा काम, कि उसने लगातार गाली देने वाला एक तंत्र बना दिया, जिस तंत्र का नाम उसने रखा शिक्षा व्यवस्था, एजुकेशन। और इस एजुकेशन में इस तरह से विषय डाले गए कि हरेक विषय भारतवासियों को गाली देने वाला सिद्ध हो और भारतवासी लगातार ये गालियां सुनते सुनते मुरझा जाएं और आत्मग्लानी की स्थिति में पहुंच जाएं, उनको अपने धर्म संस्कृतियों के प्रति घृणा हो जाए। उसने जो इतिहास बताया हमारे देश में, जो इतिहास हम पढ़ते हैं, उस इतिहास को जानबूझकर राजाओं का इतिहास बताया। आप जानते हैं हमारा पूरा इतिहास आज आप पढ़ें
जो मैकॉले के द्वारा रचित है या मैकॉले एजुकेशन के द्वारा दिया हुआ है, उस इतिहास में राजाओं के बारे में ही कहानियां हैं, प्रजा के बारे में कहीं कुछ नहीं है, ऋषियों के बारे में कुछ नहीं। हमारे एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाइयां हो रही हैं, तो सारे इतिहास में लड़ाइयां ही लड़ाइयां हैं। आप मुझे एक बात बताओ, अगर सब एक दूसरे से लड़ते ही रहेंगे तो समाज कहां बचेगा? समाज तो खत्म हो जाएगा, भारत तो हजार साल पहले ही खत्म हो जाता अगर हर एक राजा दूसरे से लड़ रहा होता। अपना आज का इतिहास पढ़ें तो एक ही बात समझ में आती है, ये राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा उस पर हमला कर रहा था, वो राजा ने उससे लड़ाई की, उसने इस पर चढ़ाई की, उसने उसकी पत्नी को माने दबोच लिया, उसने उसकी राज्य की सल्तनत को खींच लिया। यही सारी कहानियां पूरे इतिहास में हैं। ये मैकॉले का रचित इतिहास है जिससे हमको इतनी आत्मग्लानि पैदा हो जाए कि हमारे पुरखे तो लड़ने भिड़ने के अलावा कुछ करते ही नहीं थे। आप मुझे एक मोटी सी बात बताइए, अगर कोई समाज लगातार लड़ता रहे झगड़ता रहे, वो वेदों की रचना कर सकता है? कोई समाज हमेशा लड़ता रहे झगड़ता रहे, हजारों हजारों वेदों की ऋचाएं लिख सकता है? अगर कोई समाज हमेशा लड़ता रहे झगड़ता रहे, वो उपनिषदों की रचना कर सकता है? कोई समाज अगर लड़ता रहे झगड़ता रहे, वो नीति वाक्यों के लिए लड़मर सकता है? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि इतिहास पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि किसी राजा को लड़ाई से फुर्सत ही नहीं, और किसी साम्राज्य में शांति नाम की कोई चीज नहीं। तो मैकॉले ने इतिहास ऐसा दे दिया, और उस इतिहास में प्रजा गायब है, ध्यान रखिएगा, राजा ही राजा हैं, और राजाओं की अच्छाइयां गायब हैं, बुराइयां ही बुराइयां हैं। इसने उस पर हमला किया, उसने उस पर हमला किया, इसने इसको मारा, उसने उसको पीटा, उसने उसका राज्य छीन लिया, इसने उसका राज्य छीन लिया, इसी तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं। और अगर इसी तरह का इतिहास पढ़ेंगे तो कैसा दिमाग बनेगा हमारा? वैसा ही बनेगा जैसा मैकॉले चाहता था। इसी तरह से हम भारत के दूसरे शास्त्रों की बात करें, हम गणित की बात करें, मैं एक उदाहरण से कहता हूं, मैंने बचपन में गणित पढ़ा है। अंग्रेजी स्कूलों में कैसा गणित पढ़ाया जाता वो आप में से भी कई जानते होंगे, मैकॉले ने कैसा गणित पढ़ाया हमको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं। गणित में मुख्य काम किसी भी बच्चे को सिखाने का क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना। ये चार मुख्य क्रियाएं हैं गणित में, जो प्राथमिक स्तर पर हर बच्चे को सिखाई जाती है। तो हमें जोड़ना सिखाना है, या घटाना सिखाना है, या गुणा करना सिखाना है, या भाग देना सिखाना है। तो सिखाने के लिए मैकॉले सिस्टम का सवाल कैसे लिखा जाता है वो एक सवाल बताता हूं आप। मुझे बचपन में गणित जब सिखाया जाता था, तो आपने भी सीखा होगा, तो मुझे एक सवाल आता था, डैडी ने 10 रुपए दिए। अब ये अंग्रेजी में होता था, मैं हिंदी करके बता रहा हूं। अब डैडी शब्द है, पिताजी नहीं है, डैडी है। डैडी का माने होता है DEAD, डैड माने मरा हुआ, डैडी माने मरे हुए जैसा। ये उसका अंग्रेजी में हिंदी अर्थ है, मरे हुए जैसा। तो पिताजी नहीं है, पिताश्री नहीं है, डैडी ने 10 रुपए दिए, या पापा जी ने 10 रुपए दिए। पापा नाम के शब्द का कोई अर्थ आज तक दुनिया में किसी को नहीं मालूम, और हम बोलते रहते हैं अपने अपने पिताजी को पापा 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 पापा। पापा का कोई अर्थ ही नहीं है किसी भी भाषा में। तो पिताजी ने 10 रुपए दिए, मान लीजिए मैंने उसको संशोधित कर दिया, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा? अब देखो सवाल देखो, पिताजी ने 10 रुपए दिए, उसमें से 5 रुपए की चॉकलेट खाई, बताओ कितना बचा? हम क्या सिखाना चाहते हैं? घटाना, सब्स्ट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं, घटाना। उदाहरण क्या लिया? पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तब कितना बचा? अब बच्चा बचपन से ये सवाल करना शुरू करेगा तो 2-3 साल के बाद वो पूछेगा, चॉकलेट किसकी खाऊं, कैडबरीज की कि नेस्ले की?
आप मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, बार बार वो ये सवाल हल करेगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, 5 रुपए की चॉकलेट खाई, तो एक दिन पूछेगा चॉकलेट कैडबरीज की खाऊं कि नेस्ले की, क्योंकि टीवी में रोज विज्ञापन में वो देखता है कि चॉकलेट दो ही कंपनियां बेचती हैं, या तो कैडबरीज या तो नेस्ले। तो हमने बच्चे को घटाना नहीं सिखाया, हमने बच्चे को घटाना सिखाने के बहाने चॉकलेट का उपभोक्ता बनाया। अगर यही सवाल मुझे सिखाना हो, मैं भारतीय आदमी हूं और वैदिक पद्धति में अगर ये सवाल सिखाना हो, या वैदिक पद्धति की ना भी बात करूं, भारतीय पद्धति में ये सवाल सिखाना हो, तो माफ करेंगे इसको सिखाने के लिए, मैं ऐसे सिखाऊंगा, पिताजी ने 10 रुपए दिए, मैंने 5 रुपए किसी गरीब को दान कर दिए, बताओ कितना बचा। सवाल तो एक ही है ना, घटाना ही सिखा रहे हैं हम, 10 में से 5 गए, 5 बचा, यही हम उसको सिखा रहे हैं। लेकिन सवाल की जो भाषा है वो एक जगह पिताजी ने चॉकलेट के लिए 5 रुपए दे दिए, दूसरी जगह पिताजी ने दान करने के लिए 10 रुपए दिए। अगर हर बच्चा 2-3 साल यही सवाल करेगा करेगा करेगा, तो एक दिन पूछेगा ये दान क्या होता है, फिर पूछेगा दान क्यों देना चाहिए, फिर पूछेगा दान किसे देना चाहिए। अगर वो दान के बारे में पूछने लगेगा, दान क्या होता है, क्यों दिया जाता है, क्यों देना चाहिए, तो अपने आप वो भारतीयता में आ जाएगा। और अगर 10 रुपए में से 5 रुपए की चॉकलेट खाएगा तो हमेशा वो अंग्रेजी सभ्यता में ही जाएगा। और एक उदाहरण से, मैं बचपन में जब पढ़ता था, आप भी पढ़ते होंगे, तो हमको कहते थे ऐसे लिख के लाओ, हमको होमवर्क दिया जाता था ऐसे लिख के लाओ। तो हमारी टीचर को क्या विषय सूझते थे ऐसे के लिए, वो कहती थी तुम पिकनिक मनाने गए उस पर ऐसे लिख के लाओ। अब मैं पिकनिक मनाने जाऊंगा और उस पर ऐसे लिख कर लाऊंगा, माने निबंध लिख कर लाऊंगा पिकनिक के ऊपर, तो 100% मुझे अंग्रेज और यूरोपीय सभ्यता में ही जाना पड़ेगा। मुझे ये कभी नहीं कहा किसी भी टीचर ने कि तुम निबंध लिख कर लाओ, तुम माता पिता के साथ तीर्थ स्थान की यात्रा करने गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, गंगोत्री गए थे, यमुनोत्री गए थे, उसका लिख के लाओ। ये कभी भी किसी कक्षा में मुझे ना किसी ने पढ़ाया ना सिखाया, मुझे हमेशा ये सिखाया ऐसे लिख के लाओ। पिकनिक पर गए और पिकनिक पर गए तो डबल रोटी ले गए, पाव रोटी ले गए, टमाटो केचप ले गए, तो बटर ले गए, तो ये सब यूरोपीय सभ्यता की चीजें ले गए, और इनमें से ये हमने खाया, दूसरों को खिला, ये सब लिख के लाओ। तो बच्चे का दिमाग तो पूरी तरह से उपभोक्ता बनाने के लिए हमने पूरी शिक्षा तैयार की है। माफ करिएगा, आज की पूरी शिक्षा व्यवस्था है ये हमको नागरिक नहीं बनाती है, कंज्यूमर बनाती है, उपभोक्ता बनाती है। वो चाहे लक्स का हो या लाइफ बॉय का हो या कैडबरीज का हो या नेस्ले का हो। और मैं ऊंची शिक्षा की भी बात कर रहा हूं, ऊंची कक्षाओं में जो शिक्षा दी जाती है माध्यमिक स्तर तक और उसके आगे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक, ये शिक्षा भी हमको कंज्यूमर बनाने के लिए ही है। बस कंज्यूमर अलग अलग तरह का है, जब बचपन की शिक्षा है वो प्रोडक्ट का कंज्यूमर बनाने के लिए है, और हायर एजुकेशन है वो किसी यूनिवर्सिटी अमेरिका और यूरोप की, उसका कंज्यूमर बनाने के लिए हमको शिक्षा दी जाती है। इंजीनियरिंग में हमारे देश के लाखों विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसका अंतिम उद्देश्य एक ही है कि ये विद्यार्थी भारत छोड़कर अमेरिका चला जाए, यूरोप चला जाए, फिर वहां पर सेवाएं दे, क्योंकि वहां एक इंजीनियर तैयार करने में उनको करोड़ों डॉलर खर्च होते हैं और यहां से उनको वो फोकट में मिल जाता है। तो ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो आज हम ढो रहे हैं हमारे कंधे पर, मैकॉले की दी हुई शिक्षा व्यवस्था, इतिहास उसी समय का पढ़ाया जा रहा है, भूगोल भी हमने नहीं बदला हमारा, भूगोल भी अंग्रेजों के जमाने का जो तय हो गया है वही भूगोल हम पढ़ते हैं, सिविक्स और इकोनॉमिक्स वही पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में पता है सारी की सारी थ्योरीज जो पढ़ाई जाती हैं वो सब वेस्टर्न थ्योरीज हैं,
अर्थशास्त्र का आप में से कोई भी विद्यार्थी होगा जो एमए इन इकोनॉमिक्स करता हो या पीएचडी इन इकोनॉमिक्स उसने किया हो, उसको सारे सिद्धांत जो पढ़ाए जाते हैं वो पश्चिमी विचारकों के सिद्धांत हैं। एक भी हिंदुस्तानी अर्थशास्त्री विचारक का कोई सिद्धांत अर्थशास्त्र में नहीं पढ़ाया जाता। इस देश का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री विचारक जो माना जाता है वो चाणक्य है। चाणक्य का एक भी सिद्धांत एमए इकोनॉमिक्स में नहीं है, बीए इकोनॉमिक्स में नहीं है, इंटरमीडिएट में नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, उसके पहले भी कहीं नहीं, सारे के सारे पश्चिमी अर्थशास्त्रियों के सिद्धांत। इसी तरह से एक दर्शन शास्त्र विषय पढ़ाया जाता है, फिलोसॉफी, पूरा का पूरा फिलोसॉफी भरा पड़ा है पश्चिमी विचारकों से। देकार्ते का थ्योरी पढ़ लीजिए, लेबिनिज का थ्योरी पढ़ लीजिए, अरस्तु का थ्योरी पढ़ लीजिए, और या सुकरात का थ्योरी पढ़ लीजिए। और उनके थ्योरीज जब मैंने पढ़ने शुरू किए तो इतनी हंसी आती है कि ऐसे मूर्ख विचारकों की थ्योरीज अगर हम पढ़ते हैं तो हम मूर्ख ही पैदा होंगे, अकल वाले तो हो नहीं सकते। आपको एक छोटा उदाहरण दूं, सुकरात का नाम आपने सुना है, द ग्रेट ग्रेट फिलोसोफर ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरे पश्चिमी समाज का सबसे बड़ा विचारक और दर्शन शास्त्री। और उसके बाद अरस्तु का नाम आपने सुना है। दोनों की एक मान्यता सुनना ध्यान से और फिर सिर पीटना अपना कि अगर यही महान दर्शन शास्त्री हैं वो, तो फिर हमारे सबसे खराब दर्शन शास्त्री उनसे अच्छे। दोनों स्वामी जी कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। ध्यान से सुनना इसको, माताएं बहने और ज्यादा ध्यान से सुने इसको। अरस्तु कहता है और ये सुकरात अरस्तु दोनों कहते हैं स्त्री को शरीर में आत्मा नहीं होती। स्त्री ऐसे होती है जैसे मेज या कुर्सी, कुर्सी और मेज को कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है, स्त्री को भी कभी भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये दर्शन है सुकरात का, ये दर्शन है अरस्तु का, जिस पर हमारे यहां बड़े बड़े लोग पीएचडीज करते हैं। और एक जगह तो सुकरात इतनी खराब बात कहता है, स्त्री ऐसे होती है जैसे कोई कपड़ा, जब जरूरत पड़ी उतार के फेंक दिया, जब जरूरत पड़ी पहन लिया। और अरस्तु तो उससे भी एक कदम आगे जाके कहता है कि कपड़ा शरीर पर हमेशा नहीं धारण किया जा सकता, इसलिए स्त्री को भी हर समय साथ में नहीं रखा जा सकता। आप इससे भी ज्यादा सिर पीटेंगे, कोई नहीं। ये सुकरात के विचार हैं, ये अरस्तु के विचार हैं। और अरस्तु और सुकरात ये दोनों कहते हैं, इन दोनों की मान्यताओं को आज तक पश्चिमी समाज खंडित नहीं कर पाया। लेबिनिट्स भी वही कहता है, देकार्ते भी वही कहता है, और उसके बाद के सारे फिलोसोफर्स यही मानते हैं। इसलिए महिलाओं के प्रति पश्चिमी समाज में कोई आदर भाव नहीं है। महिला वस्तु की तरह है, इस्तेमाल करो और फेंको, यूज एंड थ्रो, फिलोसफी में से आया। कोई भी जीवन दर्शन जो है ना वो फिलॉसफी से निकलता है। एक मूल बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी सभ्यता दर्शन में से निकलती है। समाज का जैसा दर्शन होगा सभ्यता वैसी ही बनती चली जाएगी। पश्चिमी समाज का दर्शन स्त्रियों के बारे में ये है कि स्त्री वस्तु की तरह से है, उसमें आत्मा नहीं है। आपको एक जानकारी दूं, सन 1950 तक ब्रिटेन में, बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, सन 1950 तक ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, स्वीडन में, स्विट्जरलैंड में और डेनमार्क में, इतने देशों में सन 1950 तक किसी भी महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था। आपको मालूम है ये बात? अमेरिका में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार 1952 के बाद मिला। और सन 1950 तक यूरोप और अमेरिका के किसी भी देश में स्त्रियों को बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार नहीं था। बैंक अकाउंट या तो उसके पति का हो सकता है, या उसके बेटे का हो सकता है, या भाई का हो सकता है, किसी महिला का बैंक अकाउंट नहीं हो सकता। और 1950 तक पूरे यूरोप और अमेरिका में कोई स्त्री घर से अकेले बाहर नहीं जा सकती, भले बाहर जाना हो तो 4 साल के पिद्दी से भाई को साथ लेना पड़ेगा, भले वो लड़की 20 साल की हो।
चार साल का भाई है उसका, जो कोई सुरक्षा नहीं कर सकता, वो उसके साथ जाएगा, वो अकेली नहीं जा सकती। इतनी पाबंदियां महिलाओं पर लगाकर रखी है पश्चिमी समाज ने, इसलिए वहां पर विमेंस लिबरलाइजेशन नाम का आंदोलन चला जो सैकड़ों साल तक चला। और उस आंदोलन की थोड़ी सी सफलता मिली कि 1952 में आके कुछ देशों ने वोट देने का अधिकार दिया, 1957 में आकर कुछ देशों में स्त्रियों में बैंक अकाउंट खोलने का अधिकार मिला। और आपको मालूम है अभी 20 साल पहले तक यूरोप में स्त्रियों की तनख्वाह और पुरुष की तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर था। अभी 20 साल पहले तक कोई एक काम आप करो तो पुरुष को अगर $100 मिलेंगे तो स्त्री को वही काम करने के $30 ही मिलेंगे। क्यों? कहा जाएगा इसमें तो आत्मा नहीं है। और मुझे बहुत खराब लगता है ये कहते हुए कि यूरोप और अमेरिका में अभी 20 साल पहले तक 3 स्त्रियों की गवाही एक पुरुष के बराबर होती थी। 3 स्त्री जो बात कहेंगी एक पुरुष वो कहेगा, ये बराबर माना जाता था। ये उनकी सभ्यता है, ये उनका दर्शन है। अब ये सभ्यता और ये दर्शन लेकर टीबी मैकॉले भारत आया। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये सब आपको भूमिका बनाने के लिए कहा क्योंकि टीबी मैकॉले किस समाज का आदमी था? पश्चिम का आदमी था, ब्रिटेन का आदमी था। वो लेबिनिट्स को भगवान मानते हैं, वो देकार्ते को भगवान मानते हैं, वो अरस्तु को भगवान मानते हैं, वो सुकरात को भगवान मानते हैं। उन्हीं देशों से आया मैकॉले, तो उसकी मानसिकता भी वही थी, स्त्रियों के विरोध में। और आया तो पूरी शिक्षा व्यवस्था उसने ऐसी डिजाइन की जो 100% स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है, स्त्रियों को हतोत्साहित करने वाली है और स्त्रियों को अपमानित करने वाली है। हर खंड खंड पर आप देखेंगे इस पूरी शिक्षा व्यवस्था में स्त्रियों का जितना अपमान होता है शायद कोई कल्पना नहीं कर सकता। और वही शिक्षा व्यवस्था हम ढोते हुए चले आ रहे। हमारे देश का दर्शन है, हमारे देश की सभ्यता है कि स्त्री सबसे बड़ी गुरु होती है, मां सबसे बड़ी गुरु होती है। हमारे देश का दर्शन है और सभ्यता है। मैंने स्वामी जी एक जगह पढ़ा, भारतीय दर्शन पढ़ रहा था तो नाम भूल गया हूं दर्शन शास्त्री का, याद आएगा तो बताऊंगा। उसने एक वाक्य लिखा, स्त्री से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं होता। और उस दर्शन शास्त्री ने यहां तक लिखा है कि पुरुष में पवित्रता तब आती है जब वो स्त्री की कोख से जन्म लेता है, अन्यथा उसमें पवित्रता नहीं होती है। और यही बात उसने पति के लिए लिखी कि जब कोई कुंवारा लड़का शादी करता है तब पवित्रता के थोड़े से अंश को पहचान पाता है। आपको मालूम है हमारे देश में बहुत सारे मंदिर हैं जहां पर यह सिद्धांत अभी भी लागू है, अगर आपके पास आपकी धर्मपत्नी नहीं है तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते आप। ऐसे भारत में मंदिर हैं और वो भारतीय दर्शन पर चलते हैं, वो कहते हैं आप पवित्र नहीं है अगर आपके साथ आपकी पत्नी नहीं है। क्योंकि कहा यह जाता है कि पत्नी ना हो तो पुरुष का दिमाग कितना लंपट होता है उसका अंदाजा नहीं है, अगर वो योगी नहीं है तो। योगी है तो उसका अपना कंट्रोल है इंद्रियों पर, मन पर। योगी नहीं है तो वो पता नहीं कहां कहां जाएगा, कहां कहां मुंह मारेगा, चरेगा, खाएगा, कुछ मालूम नहीं। एक बात सीधी सी यही है इसमें तो, कि व्यक्ति जो है एक इंसान जिसको हम पुरुष कहते हैं, पुरुष कोई आसमान से तो गिरा नहीं, जितने भी पुरुष आए मां की कोख से आए, इसलिए पुरुष में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी पवित्रताएं हैं, उनका स्रोत मां है, उनका मूल मां है। अब ये हमारी दर्शन है भारत की, इस दर्शन को यूरोप में कोई नहीं मानता, हम मानते हैं। तो हम जिस दर्शन को मानते हैं वैसी हमारी सभ्यता होगी और वैसी ही संस्कृति होगी। यूरोप वाले जिस दर्शन को मानते हैं वैसी उनकी सभ्यता होगी, वैसी संस्कृति होगी। तो यूरोप की सभ्यता और संस्कृति जैसी होगी वैसी ही उनकी शिक्षा भी होगी, और जैसी हमारी सभ्यता और संस्कृति होगी वैसी हमारी शिक्षा होगी। तो हम जब गुरुकुल की शिक्षा लेते थे, भारत की अपनी शिक्षा होती थी, तो उसमें स्त्री माँ थी, स्त्री दुर्गा थी, स्त्री हमारे देश में प्रेरणा का स्रोत थी, महिला सारे के सारे काम का केंद्र बिंदु थी। ये गुरुकुलों की शिक्षा से दिखाई देता है, क्योंकि हमारे पास जो दस्तावेज हैं अंग्रेजों के जमाने के, इस देश में आधे से ज्यादा विश्वविद्यालयों की कुलपति महिलाएं थी।
स्त्रियां थी आधे से ज्यादा, और विश्वविद्यालय स्तर के गुरुकुल थे। तो महिलाओं को हमारे यहां दर्जा है बहुत ऊंचे स्तर का, और महिलाओं को दर्जा है यूरोप में बहुत नीचे स्तर का। तो यूरोप के लोग जब शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन करेंगे तो महिला का स्तर उसमें नीचे से नीचा रहेगा, और हम जब शिक्षा की डिजाइनिंग करेंगे तो महिला का स्तर ऊंचे से ऊंचा रहेगा। तो यूरोप की शिक्षा व्यवस्था ले लेकर हम जो 250 साल से परेशान हुए हैं और हमारा दिमाग खराब हुआ है, वो दिमाग ऐसा ही खराब हुआ है कि स्त्री को आज हमारे देश में भोग की वस्तु, उपयोग की वस्तु बनाकर इस पूरी शिक्षा व्यवस्था ने छोड़ दिया है। आज हमारे देश में स्त्रियों का वही हश्र है जो यूरोप में 50 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि हम 200-250 साल से अंग्रेजी शिक्षा पढ़ रहे हैं। तो हमें करना क्या, उसकी पवित्रता नष्ट कर रहे हैं जी, उसको पबों में ले जाना चाहते हैं, उसको जो है शराब खानों में ले जाते हैं, शराबी डांस घरों में ले जाते हैं। हमारे यहाँ मॉडर्न होने के नाम पर महिलाओं को यही तो कर रहे हैं ना, उनको नचाते। हमने स्त्री को मान लिया नाचने की चीज, पहले नाचने वालियों को सबसे घटिया मानते थे, और आज कोई नाचने वाली आ जाए तो पूरा गांव, पूरा देश पागल हो जाता है, क्या तमाशा हो रखा। गांव में नौटंकी आ जाए स्वामी जी तो सब काम छोड़ के इकट्ठे हो जाते। कई बार मेरे साथ हुआ है, मैं व्याख्यान देने किसी गांव में गया, नौटंकी वाले आए हुए, व्याख्यान सुनने कोई नहीं आया, सब नौटंकी में बैठे, और नौटंकी में इतनी गंदी गंदी बातें महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए कही जाती हैं और बोली जाती हैं कि कोई कान में रुई ठूस ले फिर भी तकलीफ हो उसको। तो हमने गड़बड़ कर दिया 250 साल दिमाग में। एक तो 250 साल सुनते रहे अपने बारे में गालियां, और फिर स्त्रियों के बारे में ये मान्यता जो मैकॉले की और यूरोप के दार्शनिकों की, और उसी मान्यता पर आधारित हमारी शिक्षा व्यवस्था। तो सारी शिक्षा व्यवस्था ने सबसे ज्यादा तकलीफ दिया है तो हमारी महिलाओं को दिया है। मुझे सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ पता है किस बात की होती है, सबसे बड़ा दुख और तकलीफ मेरा क्या है कि मैंने जो पढ़ा वो मेरी मां को नहीं मालूम, और मेरी मां अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकती। आप सोचो किसी बेटे और मां के बीच में इतनी दूरी आ जाए कि उसका बेटा क्या पढ़ रहा है उसकी मां ना जानती हो, और मां बेटे को पढ़ा ना सकती हो, इससे बड़ी टूटन और खराब किसी भी समाज में क्या हो सकती है कोई चीज। हमारे देश में ज्यादातर माताओं का यही हाल है, उनके बच्चे बेटे या बेटी क्या पढ़ रहे हैं वो खुद नहीं पढ़ा सकती, इसलिए ट्यूटर रखना पड़ता है, और ट्यूटर क्या पढ़ा के जाता है, मां को कुछ नहीं आता है। क्यों? शिक्षा व्यवस्था से मां पूरी तरह से गायब है, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था की डिजाइन ऐसे की गई है जिसमें मां का कोई रोल ही नहीं है। हम गुरुकुल की शिक्षा में सबसे बड़ा गुरु मां को मानते हैं, और यूरोपियन शिक्षा व्यवस्था टीवी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा गुरु मैकॉले हो गया, मां नहीं है। और वो मैकॉले हो गया जो मानता ही नहीं है कि मां में कोई आत्मा भी होती है, वो तो वस्तु है यूज एंड थ्रो के लिए। तो ये एक छोटी सी बात मैंने थोड़ा विस्तार करके कही कि हमको हमारी शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो क्या क्या बदलना है। भाषा बदलनी है, वो तो स्वामी जी ने कहा, भाषा के साथ हमें कंटेंट बदलना है, टेक्स्ट बदलना है, जो मां विरोधी है, स्त्री विरोधी है, महिला विरोधी है। इसके आगे हम चलेंगे तो विषय भी बदलने हैं हमको। आप में से मैथमेटिक्स पढ़ने वाला कोई विद्यार्थी यहां बैठा हो जिसने एमएससी मैथमेटिक्स किया हो, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स में हम इतने विषय पढ़ते हैं जो जिंदगी में कभी काम नहीं आते। डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं, इंट्रीगल कैलकुलस पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, स्टैटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं, सब रद्दी और एकदम बेकार। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं जो किसी काम की नहीं है शायद। हां, कब से शुरू हो गया? 12th से शुरू हो गया, और तकलीफ की स्थिति। पहले एमएससी में होता था, बीएससी में, अब 12th से शुरू हो गया। तो आप सोचिए कि जो विषय जिंदगी में कभी काम नहीं आने वाले, मैंने डायनेमिक्स पढ़ा, मैंने स्टैटिक्स पढ़ा, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा, मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा, आज तक मेरी जिंदगी में एक बार भी काम नहीं आया। तो मैं मेरे गणित के अध्यापकों को जब भी मिलता हूं पूछता हूं, आपने मुझे ये सब क्यों पढ़ाया, मेरे तो काम नहीं आया। तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए
तो मेरे अध्यापक कहते हैं हमको किसी ने पढ़ाया, हमने तुमको पढ़ा दिया, तो भेड़िया धसान चल रहा है ये इस देश में। और मैं आपको विनम्रता से और ईमानदारी से बताता हूं, मेरी दादी ने मुझको ढैया पोना सवैया पढ़ाया था। ढैया पोना सवैया समझते, ये पुराने गांव के लोग ही पढ़ा सकते हैं, आजकल कॉन्वेंट वालों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता ढैया पोना सवैया। मेरी दादी जो कभी स्कूल नहीं गई, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ी, एकदम हरफ निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर अगर आप उसको कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसने मुझे ढैया पोना सवैया के पहाड़े सिखाए, और वो रोज मेरे जिंदगी में काम आते हैं, हर समय मेरी जिंदगी में काम आते हैं। दादी स्वर्गवासी हो गई है तो भी मेरे काम आ रहे हैं, और अगले जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरे काम आए। भारतीय गणित है ना ये। तो मेरा कहना है कि जो चीज जिंदगी भर काम आती है वो हम क्यों नहीं पढ़ाएं? स्त्रियों को सम्मान देने वाली बातें हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्यों ना हो? विषय हमारे ऐसे होने चाहिए, सारे विषय एक तरफ से ऐसे होने चाहिए जो स्त्री को सम्मान दे सके, क्योंकि गुरु हमारी माँ ही है। तो स्त्रियों को सम्मान आ सके ऐसा टेक्स्ट बनाना है, ऐसा सिलेबस बनाना है। हमारे देश में हम एक जिम्मेदार नागरिक बने, ना कि किसी कंपनी के उपभोक्ता। आजकल एक सर्व शिक्षा अभियान चल रहा है ना, सर्व शिक्षा अभियान का एक ही उद्देश्य है, हर व्यक्ति को एबीसीडी सिखाना। और एबीसीडी सिखाने के पीछे उद्देश्य क्या है? टीवी पर आने वाले विज्ञापन वो पढ़ सके, एल फॉर लक्स, पी फॉर पेप्सी, सी फॉर कोका कोला, ये बताना उसको। एबीसीडी बताने के पीछे एक ही उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं। वो कहते ना साक्षरता साक्षरता साक्षरता, शिक्षा की बात नहीं करते, साक्षरता की बात करते हैं, ताकि विज्ञापनों में फर्क आप पढ़ सकें और एक अच्छी कंपनी के अच्छे उपभोक्ता बनकर अपनी जेब कटवा सकें और उस कंपनी की लूट बढ़ा सकें। तो हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था जो कंज्यूमर बनाने के लिए मैकॉले हमारे यहाँ छोड़कर गया, इसको बदल देना है, और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनाने की शिक्षा व्यवस्था हमें है। इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है, और यही हम करें, ये हमारी अभीष्ट इच्छा है। धन्यवाद, आभार। ये तो एक ही विषय हुआ आपका अभी, और इसमें इसमें वो एक हम चीज और भी जोड़ना चाहते हैं, अक्षर की बात कर रहे थे ना अभी, लय माने लक्स, सी माने कोका कोला, और जो है अ माने अपराध, श माने शराब, ये सारे के सारे से बाहर निकाल के, जहाँ अभी तो शिक्षा में एक ही पक्ष लिया था, शिक्षा में ही चिकित्सा है, हमें जो चिकित्सा पद्धति पढ़ाई जाती है कि MBBS डॉक्टर बनता है, पूरी दुनिया मानती है कि चिकित्सा के, चिकित्सा क्षेत्र के, चिकित्सा शास्त्र के, चिकित्सा पद्धति के जो फोर फादर हैं, मूल गुरु हैं, वो कौन है? महर्षि चरक और सुश्रुत। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में जो MBBS डॉक्टर बनाए जाते हैं उनको चरक सुश्रुत धन्वंतरी और शारंगधर का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता, पतंजलि का नाम तक नहीं पढ़ाया जाता। ये पूरी पूरे चिकित्सा का पूरा शास्त्र और उसका पूरा इतिहास, वो भी हमें बदलना होगा। हम एलोपैथ के आयुर्वेद के डॉक्टर अलग अलग बनाएंगे, लेकिन एलोपैथ का चिकित्सक भी पैदा होगा तो ये मानेगा कि चिकित्सा के मूल गुरु तो भारत के ऋषि मुनि थे, ऐसी बात हम पैदा करेंगे। तो एक इसमें जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में जो है अभी भाई राजीव जी ने बात कही, उसका एक थोड़ा एक थीम दिया आपको, एक चिंतन दिया, एक दिशा दी। ऐसे ही दूसरी बात जो मैं कह रहा था, कानून व्यवस्था जो दूसरा पक्ष है, तो हमने जो 11 मुद्दे आपके सामने रखे थे, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, जल प्रबंधन की एक छोटी सी तरकीब है, मैं इसलिए बता रहा हूं, इसका संबंध देश के 84 करोड़ लोगों की जिंदगी से है। एक जमीन में मात्र 10 फीट का एक खाई खोद करके, 2 फीट गहरी, 10 फीट, 2 फीट चौड़ी, 10 फीट गहरी, और पूरे जमीन का, पूरे देश का पानी रोक सकते हैं, जो नदियों में 90 से 99% जो समुद्र में जा रहा है। और इस काम को मैंने कहा हमें सरकारों की भी जरूरत नहीं, हम तो देश के लोगों से चैरिटी से ही इस काम को करा सकते हैं, और इस देश के भारत को वैसा ही, भारत देश के गांव को वैसा ही समृद्ध और वैसा ही स्वावलंबी आत्मनिर्भर गांव बना सकते हैं जो कभी आजादी से पहले था। आज से 25-30 साल पहले गांव में 25-30 फीट नीचे पानी मिलता था,
मैंने अपने गांव में 25 फीट नहीं 15 फीट नीचे से पानी खींच के पिया है। आज उस गांव में 150 फीट नीचे वाटर लेवल है और लोग भूख के कागार पर हैं। ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, उस गांव के लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा, बाबा तू बहुत बड़ा हो गया, हमारे गांव में पानी तो दिलवा दे। मैंने कहा मैं ऐसा प्रबंध करना चाहता हूं जिससे मेरे हर गांव को पानी मिले। खाली तुम्हारे गांव की नहीं सोचता, मैं पूरी भारत के गांव की सोचता हूं और ऐसा काम हम करके दिखाएंगे। तो ये मैं जल प्रबंधन की बात कर रहा था, ये काम बहुत आसान है लेकिन किसी को पड़ी नहीं है। ये हमारे भारत के कुछ जिनको हम राजनेता कहते हैं उसमें से कुछ अच्छे भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि लोग गरीब बेबस लाचार बने रहें जिससे कि उनको ज्यादा दिनों तक गुलाम बनाया जा सके, शासन किया जा सके उन पर। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी, ग्रामीण स्वावलंबन, जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, टैक्सों में सुधार, सामाजिक न्याय, आध्यात्मिक राष्ट्र और 100% मतदान का अनिवार्य कानून। अब इसमें एक ये अलग अलग इतने गहरे मुद्दे हैं, एक एक बात के ऊपर चर्चा करेंगे तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन एक विषय जो बहुत जरूरी है, सारे देश में एक बात कही जाती है, देश सबसे बड़ा नहीं होता। क्या बोला जाता है जब भी पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है, कानून सबसे बड़ा होता है, कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून अपना काम करेगा, आप हर राजनेता को ये कहते सुनेंगे, ये कानून क्या है? कानून अंग्रेजों ने हमें लूटने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए बनाए थे। तो जो कानून हमें लूटने के लिए, हमारे ऊपर अत्याचार करने के लिए, हमें गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे, वही कानून आज तक हम पर क्यों लादे जा रहे हैं? इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी सी देर में भाई राजीव जी देंगे। मैं एक 5-7 मिनट में कोशिश करता हूं ये बात कहने की। आप सबको एक पुरानी घटना याद दिलाता हूं, आप सब जानते हैं उस घटना को। हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष और सबसे पहला संघर्ष सन 1857 में हुआ, और ये संघर्ष की पृष्ठभूमि क्या थी? जब अंग्रेजों ने इतनी लूटमार मचाई कि देश गरीब हो गया, कंगाल हो गया, जब अंग्रेजों ने इतने पुलिसिया अत्याचार किए कि हर आदमी त्राही त्राही करने लगा, जब अंग्रेजों ने किसानों से सारी जमीनें छीन ली, जब अंग्रेजों ने टैक्स लगाकर सारे स्वदेशी उद्योग खत्म कर दिए, जब अंग्रेजों ने भारत के लोगों को मार मार के ईसाई बनाना शुरू कर दिया, तब भारतवासियों का धैर्य चुक गया। हम भारतवासियों की एक विशेषता है, हम सोए हुए हाथी की तरह से हैं। जब तक हाथी सोता रहता है, 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 लेकिन जब वो चिंघाड़ के भागना शुरू करता है तो सबको रौंद देता है अपने नीचे। भारतवासी भी वैसे ही हैं। हम अंग्रेजों के अत्याचार को 100 साल सहते रहे। अंग्रेजों ने अत्याचार करना शुरू किया 1757 से, जब से उनको कलकत्ता में अपना राज्य स्थापित करने का रास्ता खुला। आप जानते हैं ना, प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के बाद जब से कलकत्ता में और बंगाल में अंग्रेजों की सरकार बनी, तब से अंग्रेजों ने अत्याचार शुरू किए। वो अत्याचार हम 100 साल तक सहन करते रहे, 100 साल तक हमने उफ नहीं किया। अंग्रेजों ने जो किया, हमने कभी उसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश ही नहीं की। छुटपुट छुटपुट कहीं कोई विरोध होता था तो होता था। जब पानी हद से ज्यादा गुजर गया, कहते हैं नाक तक पानी आ गया, डूबने की स्थिति आई, तब भारतवासियों ने एक साथ विद्रोह किया, और वो विद्रोह इतना बड़ा था कि अंग्रेज घबरा गए। अंग्रेजों को कभी कल्पना नहीं थी कि जो भारतवासी 100 साल से उनके अत्याचार सह रहे हैं वो एक साथ कभी खड़े हो जाएंगे। भारतवासी खड़े हो गए। 350 से ज्यादा स्थान ऐसे बने जहां क्रांति हो गई, और अंग्रेजों की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया भारतवासियों ने, अंग्रेजों की सरकार खत्म कर दी। एक केंद्र था सतारा, नाम सुना, पूरा अंग्रेजों का साम्राज्य वहां से उखड़ गया 1857 में। दूसरा केंद्र था सांगली, फिर था कोल्हापुर, फिर था पूना, फिर पूरे भारत में ऐसे 350 से ज्यादा केंद्र थे जहां अंग्रेजों की सरकार खत्म हो गई, और 3,65,000 अंग्रेज उसमें मारे गए। 1857 की क्रांति शुरू हुई थी यहीं हरिद्वार के नजदीक में, एक मेरठ नाम का स्थान है, मुश्किल से यहां से कितना 70-80 किलोमीटर होगा, इस मेरठ स्थान से शुरू हुई थी क्रांति 10 मई 1857 को, और वो फिर पूरे देश में फैल गई।
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मेरठ शहर से क्रांति की शुरुआत हुई और 350 शहरों तक वो क्रांति फैल गई 3 महीने में। 10 मई से शुरू हुआ, 10 मई से 10 जून, 10 जून से 10 जुलाई, 10 जुलाई से 10 अगस्त, 1 सितंबर तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अंग्रेजों की सरकार नहीं बची, एक भी अंग्रेज नहीं बचा। 3.5 महीनों में भारतवासियों ने अंग्रेजों का कत्लेआम कर दिया। जब भारतवासियों के सिर पर से गुजरती है ना, तो यही भारतवासी युद्ध के मैदान में किसी रणचंडी सा कमाल दिखाते हैं, तो साधारण भारतवासियों ने तलवारों से गर्दनें काट दी अंग्रेजों की। हसिया होता है ना, हसिया जिससे फसल काटी जाती है, उससे अंग्रेजों के गले काटे थे भारतवासियों ने। मेरठ में जाट किसान थे ना, ये सड़कों पर निकल आए थे और अंग्रेजों की छावनी के एक एक अधिकारी को हसिये से काटा था, खत्म कर दिया। पूरे हिंदुस्तान में 3,65,000 अंग्रेज मारे गए, कुछ 2-4 अंग्रेज जिंदा बच गए, वो भागकर किसी तरह से लंदन पहुंच गए। और वो भागे भी कैसे, उन्होंने अपने पूरे शरीर को काला किया ताकि वो भारतवासी लगे, चेहरे को काला किया, शरीर को काला किया, किसी तरह जिंदा बचने के लिए, और वो किसी तरह युक्ति लगा के भाग गए। वहां भागकर अंग्रेजों की संसद में उन्होंने सारी कहानी सुनाई कि भारत में तो विद्रोह हो गया, बगावत हो गई। तो अंग्रेजों की संसद में सबसे बड़ा प्रश्न आया कि आगे कभी भी ऐसा कोई विद्रोह ना हो भारतवासियों में, तो इसके लिए क्या क्या करना, दोबारा कभी भी ऐसा विद्रोह ना हो। तो कई अंग्रेजों ने अपने प्रधानमंत्री को कहा, जो उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था, उसको पूछा गया कि क्या क्या करना फिर इसके लिए। तो प्राइम मिनिस्टर को एक तो यह पूछा गया कि हम तो अंग्रेज खत्म हो गए भारत में, तो उसने कहा चिंता मत करो, दोबारा हम फिर भारत में जाएंगे और भारत में हमारे कुछ मित्र और दोस्त हैं, उनकी मदद से भारत में फिर प्रवेश करेंगे। तो उनके मित्र और दोस्त कौन, हमारे लिए जो गद्दार वो अंग्रेजों के मित्र और दोस्त। आपको मालूम है इस हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने कई परिवारों को राय बहादुर की पदवियां दे रखी थी। ये सारे के सारे राय बहादुर देश के गद्दार साबित हुए, सर भी देते थे, सर की पदवी, राय बहादुर की पदवी, नाइटहुड की पदवी, ये पदवियां लेने वाले सारे खानदान गद्दार निकले। उन्होंने अंग्रेजों की भरपूर मदद की। सबसे बड़ा परिवार जिसने अंग्रेजों की मदद की 1857 की बगावत के बाद, पटियाला का परिवार जो आज भी जिंदा है, और उसी परिवार का एक आदमी मुख्यमंत्री बनता रहता है पंजाब का। बहुत शर्म आती है मुझे पटियाला वालों को ये कहते हुए, हमारे कुछ मित्र बैठे हैं यहां पटियाला के, पटियाला के नवाब खानदान ने, राजा खानदान ने 1857 की क्रांति के बाद क्रांतिकारियों की मदद नहीं की, अंग्रेजों की मदद की। और उन्होंने एक पत्र भेजा जिसकी फोटोकॉपी कभी भी मैं पूरे देश को दिखाऊंगा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि आप चिंता मत करिए, अंग्रेजों को कहा आप चिंता मत करिए, वापस भारत में आइए, मैं आपको 20,000 सैनिक दूंगा और 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, आप फिर भारत में आकर अपना राज्य स्थापित करिए। तो पटियाला के नवाब के कहने पर अंग्रेज आ गए। इसी तरह जींद का एक नवाब था, हरियाणा में जींद राज्य था, वहां के नवाब ने अंग्रेजों की मदद की। फिर ग्वालियर का ये जो खानदान है, सिंधिया खानदान, इसने अंग्रेजों की मदद की। ऐसे भारत में एक सालार जंग खानदान है वहां का, हैदराबाद का, जिसको निजाम कहते थे हैदराबाद का, उसने मदद। ऐसे 10-12 बड़े परिवार थे जिन्होंने करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं अंग्रेजों को दी और अपने सैनिक भी दिए लड़ने को। तो उनकी मदद से अंग्रेजों ने वापस हिंदुस्तान में प्रवेश किया और क्रांतिकारियों का कत्लेआम किया। फिर 1 सितंबर 1857 से लेकर 1 नवंबर 1858 तक हिंदुस्तान के करीब करीब 7.5 लाख से ज्यादा क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने कत्ल कर दिया। और कैसे कत्ल किया, एक बिठूर नाम का छोटा सा शहर है कानपुर के नजदीक, वहां के 2 बड़े क्रांतिकारी थे इस देश में, नाना साहब पेशवा और तांतिया टोपे। ये दोनों क्रांतिकारियों के शहर के 24,000 लोगों को गोली से मार दिया या तलवार के मौत की घाट उतार दिया अंग्रेजों ने। 3 महीने के छोटे बच्चे से लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक सबको खत्म कर दिया अंग्रेजों ने। अपराध क्या था उनका, कोई अपराध नहीं था, बस एक ही अपराध था कि वो तांतिया टोपे और नाना साहब पेशवा के शहर में रहते थे, तो अंग्रेज कहते थे ये सब बगावत करेंगे और क्रांतिकारी बनेंगे, इसलिए सबको कत्लेआम करो। और ये कत्लेआम अंग्रेजों ने भारत के पटियाला नवाब माने पटियाला राजा, जींद का राजा, ग्वालियर का सिंधिया खानदान, इनके सैनिकों की मदद से किया था।
और ये सारे कत्लेआम पूरे देश में हुए। अंग्रेजों की सरकार फिर स्थापित हो गई। फिर अंग्रेजों की सरकार जब स्थापित हुई तो क्वीन विक्टोरिया ने एक ऐलान किया, 1 नवंबर 1858 को वो ऐलान भारत के बड़े बड़े अखबारों में छपा। उस जमाने में अंग्रेजी कोई अखबार निकलते थे उनमें छपा। उस ऐलान में कहा गया कि आज के बाद भारत में कंपनी की सरकार नहीं चलेगी, कानून की सरकार चलेगी। माने 1 नवंबर 1858 तक कंपनी की सरकार चलती थी, कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर कानून की सरकार चलेगी, लेकिन वो कानून कौन बनाएगा? वो कानून अंग्रेजों की संसद बनाएगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी, और उसके आधार पर ये देश चलाया जाएगा। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाने के लिए बहस क्या हुई? ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस ये हुई कि कानून ऐसे बनाए जाने चाहिए कि सारे भारतवासी कभी भी दोबारा से खड़े ना हो सकें और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत ना कर सकें। तो सबसे पहला कानून बांधते हैं, क्या आया सबसे पहला कानून? आपको हैरानी होगी जानकर, अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत हुई थी वो सशस्त्र बगावत थी, उसमें हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। अंग्रेजों ने सबसे पहला कानून बनाया कि भारत में हथियार वही रख सकेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस जिसके पास नहीं होगा वो हथियार रखने का अधिकारी नहीं होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट, ये पहला कानून बनाया। और इस कानून के आधार पर क्या किया गया, घर घर की तलाशियां ली गई, किसके घर में बंदूक है, किसके घर में हसिया है, छुरा है, चाकू है, क्या क्या हथियार है, वो सब अंग्रेजों ने छीन लिए, क्योंकि अंग्रेजों को डर था इन्हीं हथियारों की मदद से भारतवासी दोबारा फिर बगावत कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लाइसेंसिंग ऑफ आर्म्स एक्ट बना के हथियार छीनने का कानून बनाया। और एक बार भारतवासियों के हथियार छीन गए तो भारतवासी कमजोर हो गए, और वो कमजोरी इतनी भारी पड़ी कि अगले 90 साल तक फिर अंग्रेजों की गुलामी हमें सहन करनी पड़ी। ये एक कानून बनाया उन्होंने। ये कानून दुर्भाग्य से आजादी के 62 साल के बाद भी अभी चल रहा है इस देश में। मालूम है, हथियार वही रख सकता है जिसके पास लाइसेंस हो सकता है, और लाइसेंस देने का काम सरकार करती है। पहले काले गोरे अंग्रेजों की सरकार वो काम करती थी, अब काले अंग्रेजों की। लेकिन आजकल आजकल ऐसा दूसरा होता है राजीव भाई, शरीफ आदमी लाइसेंस लेकर के हथियार खरीदता है और जो गुंडा होता है वो बिना लाइसेंस वाला। तो अब उल्टा चल रहा है। तो एक कानून की मैंने मिसाल दी, दूसरा एक कानून अंग्रेजों ने बनाया, इंडियन पुलिस एक्ट। पुलिस एक्ट बनाया वो ये कि हर भारतवासी कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ कुछ ना करे, उसको मारकर पीटकर दबाकर कुचलकर कंट्रोल करने के लिए एक एजेंसी चाहिए। तो पुलिस नाम की एक व्यवस्था उन्होंने खड़ी की। आपको मालूम है 1858 से पहले इस देश में कोई पुलिस नहीं थी, किसी भी राजा ने पुलिस नहीं रखी, आर्मी रखी, सेना होती थी, पुलिस नहीं होती थी, क्योंकि पुलिस की जरूरत नहीं थी। अपने ही लोगों को मारना पीटना दबाना धमकाना ये कौन करता है? कोई राजा अपनी प्रजा को ये अत्याचार करेगा? लेकिन अंग्रेजों ने पुलिस बनाई जिसका नाम रखा इंडियन पुलिस एक्ट, और उसमें जो आधार दिया वो ये कि हर पुलिस वाले को राइट टू ऑफेंस होगा, किसी भी भारतीय नागरिक को राइट टू डिफेंस नहीं होगा। माने कोई भी अंग्रेज पुलिस अधिकारी किसी भी दिन गला पकड़ के आपको लाठी से मारने लगे तो आपको लाठी पकड़ने का भी अधिकार नहीं होगा, आप सिर्फ पिटते रहिए। और अगर उस पुलिस अधिकारी की लाठी आपने पकड़ ली अपना डिफेंस करने के लिए तो केस आपके खिलाफ बनेगा कि अंग्रेज अधिकारी को ड्यूटी करने से आपने रोका। जानते हैं आप, यही राइट टू ऑफेंस वाला कानून इंडियन पुलिस एक्ट वाला आजादी के 62 साल के बाद भी अभी भी चल रहा है। कोई पुलिस वाला सड़क चलते आपको रोक ले और आपके पैर में 2 लठ जमा दे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और कोई पुलिस वाला तैश में आ जाओ और निकाल के गोली मार दे तो भी आप उसको फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकते। हमारे देश में पुलिस एनकाउंटर में सैकड़ों लोग निर्दोष मारे जाते हैं और किसी पुलिस वाले को फांसी नहीं होती इस देश में। बहुत रेयर केस होते हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट भी आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तो महाराज साहब इसको बोल दिया है कि पुलिस व्यवस्था खाकी वर्दी के सबसे बड़े गुंडे हैं,
जो इस देश में पल रहे हैं अंग्रेजों के। इसमें थोड़ा सा संशोधन करते हैं हम राजीव भाई, इसमें अच्छे पुलिस वाले यदि किसी अपराधी को गोली से मार देते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है, जो किसी आतंकवादी को, किसी अपराधी को, किसी गुंडे को, कोई भैया जो मुंबई में तो क्या बोलते हैं उनको सब, डॉन लोग, डॉन, डॉन माफिया, डॉन को, माफिया को, डॉन को मारता है तो उसके ऊपर तो एक लगता है, लेकिन वो हिंदुस्तानी को मारेगा तो नहीं लगेगा, तब उसको एनकाउंटर मान लिया जाएगा। तो थोड़ा सा हमारे, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, पुलिस में अच्छे भी लोग हैं राजीव भाई लेकिन उन अच्छों की संख्या हमें बढ़ानी है। 1% से कम है अच्छों की संख्या, लेकिन वो अच्छे भी गलत कानून के नीचे रहकर मजबूर है। तो इसलिए उसमें अभी जैसे आर्म एक्ट वाली बात थी, आज हम अपनी सुरक्षा के लिए AK-47 लेना चाहे तो हमें नहीं मिलेगी, अपनी सुरक्षा के लिए लेना चाहे, और अपराधी सरेआम लिए घूमते। इस देश में लाखों की संख्या में AK-47 है, किनके पास है, जो हमें मारने के लिए, हमें सुरक्षा के लिए हम नहीं रख सकते। तो ये इसमें ये नहीं कि हम इस कानून व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते, जंगल राज करना चाहते, इसमें संशोधन। अंग्रेजों ने ऐसी एक कानून बनाया, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट। हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें होती है ना, पहले वो काम करती थी, सरपंच होता था, गांव का प्रमुख होता था, पंचायत उसके साथ काम करती थी। जो जो काम ग्राम पंचायत करती थी, कभी जरूरत पड़े तो टैक्स लगाना, जरूरत पड़े तो उसको गांव के विकास के लिए खर्च करना, वो सारे अधिकार छीनकर एक कलेक्टर को दे दिए गए, और उस पोस्ट को DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं, कलेक्टर कहते हैं, और ये जिस कानून के तहत हुआ वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, वो कानून वैसे का वैसा ही चल रहा। एक डिपार्टमेंट में, इसमें थोड़ा सा एक बात मैं बीच में टोकूंगा, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट में एजुकेशन का पूरा प्रबंध है, लेकिन आप एक आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने के लिए आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका करेक्टर सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन ये इंडियन सर्विस एक्ट में करेक्टर कहीं खत्म सा है। हमें ऐसा करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ में करेक्टर वो बराबर होना चाहिए, तो हमारे अभी भी पूरी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि मैं दोनों ही व्यवस्थाओं से काफी अच्छी तरह से परिचित हूं, जो हमारे पुलिस और प्रशासन में जिनको तैनात किया जाता है उनके लिए ये बात सही है कि उनको अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, लेकिन उसमें प्रबंधकीय ज्ञान के साथ साथ में मानवीय मूल्यों का, संवेदनाओं का एक बहुत गहरा समन्वय करने की आवश्यकता है। तो ये संशोधन, इसका मतलब ये न कोई सोचे कि ये सब जो है ये बाबा जी को ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां कानून, जहां व्यवस्था, हम उन व्यवस्थाओं को बदलना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाने के लिए जो है, अभी जो भाई राजीव जी कह रहे थे कि बगावत ना कर सके, सिर ना उठा सके और आजादी की मांग ना कर सके, ऐसे कानून बनाए थे, उन कानूनों को बदलना चाहते हैं और इस देश का हर आदमी आत्मसम्मान के साथ जी सके, ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए, एक उदाहरण देके खत्म करूंगा। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, PWD का नाम सुना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका कानून बनाया। स्वामी जी जल की बात कर रहे थे, मैं उसी जल की बात कहने जा रहा हूं। 1857 के पहले हमारे देश का जो जल प्रबंधन था वो ग्राम पंचायत के हाथ में था, तालाब होते थे, कुआं होते थे, बावड़ी होती थी, और कई राजाओं ने नहरें भी निकाली थी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाई, सबसे ज्यादा नहर, अंग्रेजों से भी ज्यादा नहरें इस देश में महाराजा रणजीत सिंह की बनाई हुई हैं। उनको ये जल प्रबंधन का सबसे बड़ा ज्ञान था इस देश में, तो बहुत सारे राजा नहर भी बनवाते थे और ग्राम पंचायतें उनकी देखरेख किया करती थी, तालाब की, कुएं की, बावड़ी की आदि आदि, ये सब अधिकार ग्राम पंचायत के अधीन था। जब तक ग्राम पंचायतें जल प्रबंधन का अधिकार रखती थी, इस देश के सारे तालाब लबालब भरे रहते थे पानी से, कभी पानी की कमी नहीं हुई इस देश में, और पानी ऐसा रहा कि 10 फीट पर खोदो तो पानी मिल जाए। हमने देखा, ये तो मैं अभी बता रहा था, तालाब जब लबालब भरे रहेंगे तो कुओं का जल स्तर बना रहेगा, बावड़ी का जल स्तर बना रहेगा, बारिश तो अच्छी होती थी उस समय, आज भी,
तो सारे तालाब कुएं बावड़ी सारी व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन थी, तो पंचायतें उनका रख रखाव करती थी, अच्छे से चलता था। अंग्रेजों ने ये सारा पंचायतों से छीन कर एक डिपार्टमेंट बना दिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD, और उनके हाथ में सब दे दिया। जब से ये हमारा जल प्रबंधन PWD के हाथ में आया, सब सत्यानाश हो गया। तालाब सूख गए, बावड़ियां सूख गई, कुएं सूख गए, क्योंकि PWD वालों को क्या लेना देना किसी गांव के तालाब में जल भरा है या नहीं भरा है, उनको अपनी तनख्वाह और उनका TA, उनका DA, उनका HRA इतने से ही लेना देना है, बाकी से क्या लेना देना, क्योंकि वो तो उस गांव में रहते नहीं। जो उस गांव में रहता है उसको दर्द होगा कि मेरा तालाब भरा हुआ है या खाली है। किसी दूसरे शहर का आदमी PWD वाला जाता, उसको क्या लेना देना। तो अंग्रेजों ने ये एक एक चीजें छीन कर जो दे दिया अधिकारियों के हाथ में, उनके कारण सारा जल प्रबंधन इतना खराब हुआ है कि भारत में चेरापूंजी, जहां 150 इंच बारिश होती है, वहां पीने का पानी साल में 3 से 4 महीने मिलता नहीं है, एक बाल्टी 10 रुपए का खरीदना पड़ता है। चेरापूंजी जहां 150 इंच बारिश होती है साल में, वहां पीने के पानी की समस्या हो गई है। गंगा नदी जो कभी हमेशा 365 दिन साल में भरी बहती थी, आज उस गंगा नदी में इतना इतना पानी रह गया है, आप इधर से उधर जाके पार कर सकते हैं। सारी नदियां सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं, कुएं तो खत्म हो गए हैं, बावड़ियां तो अब कहीं दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई देती हैं तो खंडहर जैसी हो गई हैं, क्योंकि PWD डिपार्टमेंट्स किसी की कोई साथ संवार नहीं करने जा रहा। अकेले दिल्ली शहर में 1857 से पहले 70 तालाब थे दिल्ली में, आज दिल्ली में 2-3 तालाब रह गए हैं बस, ये PWD ने हमारे देश में कर दिया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव के लोगों के हाथ की सारी व्यवस्थाएं छीन कर अपने हाथ में ले लिया और उनको बेदरकार छोड़ दिया। मैंने अंग्रेजों की सरकार के 250 साल पर एक वो एनालिसिस किया है, लगभग 200 साल अंग्रेजों की सरकार रही, तो 200 साल में अंग्रेजों के सारे खर्चे जो सरकार के खर्चे हैं, इसमें मालूम है सबसे कम खर्चा है वो जल प्रबंधन का है। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, हर साल वो बजट बनाते थे और बजट इस देश के सामने माने अंग्रेजों की सरकार के सामने प्रस्तुत होता था। तो आपको कल्पना एक बताता हूं, अगर 100 करोड़ रुपए का बजट होता था तो पानी का खर्चा कभी भी 1 लाख रुपए से ज्यादा उन्होंने नहीं किया। 100 करोड़ के बजट में अगर निकालेंगे तो 0.001% निकलेगा, इतना कम, माने कुल खर्चे का 0.01%, 0.001% पानी का खर्चा सबसे कम, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि यह देश प्यासा मरे और इस देश के किसान फसल ना कर सकें, ताकि उनकी समृद्धि ना बढ़े, ताकि वो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने वाले जवान पैदा ना कर सकें, ये सारी साजिश के तहत हुआ। तो किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करना है तो पानी उनका छीन लो, किसान सब बर्बाद हो जाएंगे, खेती करेंगे कैसे। तो पानी तो अंग्रेजों ने छीना है। और आपको मैं एक जगह का कभी एक दस्तावेज दिखाऊंगा, मौका मिला उड़ीसा का, मेरे पास एक दस्तावेज है सन 1870 के आसपास का, जिसमें एक अंग्रेज कलेक्टर ने नियम बना दिया कि जो नहर होती है ना, नहर में पानी तो छोड़ने का अधिकार सरकार के हाथ में है ना, कब पानी छोड़ना कब नहीं छोड़ना। तो 1870 में गंजाम जिले के कलेक्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि पानी नहर में उन दिनों में छोड़ा जाए जब खेत में फसल ना हो, जब फसल खेत में खड़ी हो पानी नहीं छोड़ा जाए नहर में। यह आदेश जारी किया गंजाम के कलेक्टर ने, और उस जमाने का गंजाम जिला आज के उड़ीसा के 16 जिलों के बराबर है। ये एक जगह का मेरे पास दस्तावेज है, अगर ढूंढूंगा तो ऐसे सैकड़ों दस्तावेज और मिल जाएंगे, कभी हमें अभी ढूंढने हैं, बहुत सारे दस्तावेज हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक जिले का मेरे पास है। हो सकता है संपूर्ण भारत देश के सभी जिलों में ऐसे ही कलेक्टरों के आदेश जारी हुए हों कि जब किसानों की फसल खड़ी हो तो नहर में पानी नहीं छोड़ा जाए, और जब फसल नहीं है तब पानी छोड़ा जाए। इस तरह के कानून बना के अंग्रेजों ने बर्बाद किया है इस देश को, और दुर्भाग्य से ये सब कानूनों की संख्या है 34,735 कानून उन्होंने बनाए थे इस देश को खत्म करने के लिए पूरी तरह से।
अब वही कानून आजादी के 64-62 साल के बाद भी चल रहे हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा संशोधन हुआ है। आईपीसी बनाया, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी बनाया, सीपीसी बनाया, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लैंड एक्विजिशन एक्ट बनाया उन्होंने, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया। इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको, एक कानून बनाया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1872 में, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, फिर इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया। एक बार एक मामला आया अंग्रेजों की अदालत में, ये मैं दस्तावेज के आधार पर कह रहा हूं, जबलपुर के कोर्ट में एक अंग्रेजी सरकार के सामने मुकदमा आया था। एक बूढ़ी महिला, वो अपना चूल्हा जलाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ी लाई और उसने लकड़ी लगा के अपनी रोटी बनाई। एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया कि तुमने जंगल से लकड़ी लाई, ये कानून के विरोध में है, जंगल से लकड़ी चुनाना कानूनन अपराध है, उसमें जेल हो जाती है। तो उस महिला को पकड़कर जेल में ले गए, उसके ऊपर मुकदमा शुरू हुआ। तो मुकदमे में जज ने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई वकील है? उस महिला ने कहा मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, वकील कहां से लाऊंगी, मैं ही मेरी वकील हूं। तो न्यायाधीश ने पूछा तुमको कुछ कहना है? तो उस महिला ने क्या कहा था वो मैं आपको वैसे का वैसा ही सुनाता हूं, अंग्रेजों के दस्तावेज के आधार पर ये सारी बात कर रहा हूं। महिला कहती है कि अगर मैं अपने चूल्हे में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से ना लाऊं तो अपनी रोटी बनाने के लिए दोनों हाथ जलाऊं क्या? और उस महिला ने हमारी आंखें खोली, माने हमारे जैसे लोगों की। वो महिला कहती है कि ठेकेदार करोड़ों टन लकड़ी काट कर ले जाता है, उसको खुली छूट है, और मैं रोटी बनाने के लिए अगर दो लकड़ी ले आई तो मुझे पुलिस की सजा है, ये कौन सा कानून अंग्रेजों ने बनाया है। दुर्भाग्य से ये कानून अंग्रेजों के जाने के 62 साल के बाद भी चल रहा है। साधारण गांव के गरीब लोग जंगल में अगर लकड़ियां उठा लाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनको जितना अत्याचार करते हैं आप सोच नहीं सकते। और इसी देश में ठेकेदारों को सैकड़ों किलोमीटर जंगल कट गए, सैकड़ों किलोमीटर के जंगल काट दिए ठेकेदारों ने, सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। चलते चलते एक छोटी सी बात कहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में बोलना है। हाँ, इसमें एक छोटी सी बात कहता हूं, हिंदुस्तान में मालूम है सबसे ज्यादा लकड़ी किसके लिए कटती है? सरकार के लिए। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है। और आपको एक दूसरी जानकारी मालूम है क्या? सरकार को फूकने के लिए कटती है क्या? सुनिए महाराज जी, मैंने बड़ा खोजा इस पर कि सरकार करती क्या है लकड़ी का। सबसे ज्यादा लकड़ी सरकार के लिए कटती है इस देश में। सारे ठेकेदार जो लकड़ी काटते हैं वो सरकार के लिए काटते हैं और सरकार के आदेश पर काटते हैं। सरकार वो लकड़ी नीलामी में देती है सिगरेट बनाने वाली कंपनियों को। और इस हिंदुस्तान में हर साल 20 अरब सिगरेट का उत्पादन होता है और 500 सिगरेट बनाने में पूरा एक पेड़ कट जाता है। सिगरेट है ना, उसके ऊपर कागज लपेटा हुआ होता है, वो कागज सबसे बेहतरीन लकड़ी से ही बनता है, क्योंकि सिगरेट का कागज बहुत संवेदनशील होता है, जरा सा सुलगाओ तो जल जाए। सिगरेट के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है उसके लिए, फिर सिगरेट को पैकेट में बंद करने के लिए जो कागज खर्च होता है उसके लिए, मैंने एवरेज निकाला 500 सिगरेट अगर पैकेट में बंद हो गई बनकर तो एक भरा पूरा पेड़ कट जाता है इस देश में। करोड़ों पेड़ हर साल इस देश में कटते हैं सिगरेट बनाने के लिए, और वो सिगरेट बनकर जो धुआं निकलता है, उस धुएं से जो फेफड़े गलते हैं और उससे जो कैंसर होता है और उससे जो मौतें होती हैं और उन मौतों पे देश का जो नुकसान होता है वो एक अलग हिसाब है। और फिर यही सरकार कितनी बेईमान और हरामखोर है कि सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन नहीं आना चाहिए टीवी में, उसके लिए नाटक भी करती है। सिगरेट के खिलाफ सिनेमा में कोई सीन नहीं होना चाहिए, उसके लिए भी नौटंकी यही सरकार करती है। और मद्य निषेध विभाग भी इसी सरकार का है और सिगरेट के खिलाफ विज्ञापन करने का विभाग भी। क्या हरामखोरी इस देश में लोकतंत्र के नाम पर चल रही है, ये आप जरा सोचिए समझिए। शराब वाला कब से वैध कानून? पहले शराब देना बेचना हमारे यहाँ पर बहुत घृणित काम माना जाता था, शराब बनाना और शराब बेचना ये हमारे यहाँ पर घृणित माना जाता था। पिछले दिनों मैंने एक बात उठाई कि भाई जो शराब बेचने वाले लोग हैं वो व्यापारी जो है वो अत्याचारी हैं, वो माफिया हैं और वो मौत के सौदागर हैं। तो कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणियां भी की कि बोले बाबा जी वो तो कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। पहले शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित माने जाते थे, गैर कानूनन माने जाते थे,
भारत की राजनीतिक व्यवस्था करोड़ों वर्ष पुरानी है, उसमें कभी भी शराब को वैधता नहीं थी, माने उसको गैर कानूनन माना जाता था, शराब बनाना और उसकी बिक्री करना। तो वो शराब वाला कानून कब 1840 से आया स्वामी जी, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट। ये पहले सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट टैक्स एक्ट होता था, जिसमें शराब और ये नमक दोनों आते थे। तो 1840 से शुरू हुआ ये इस देश में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि 1840 से पहले भारत में शराब बनाना और बेचना दोनों घृणित काम माने जाते थे, दंडनीय अपराध माने जाते थे। आज शराब बेचने वालों को, शराब बनाने वालों को पुरस्कृत किया जाता है और कानूनन उसको वैध माना जाता है। इसलिए मतलब अभी बीच में दो चार बात और कहनी है हमको। एक बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता, कानून अपना काम करेगा, चाहे देश बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो, अत्याचार हो, देश का यौवन बर्बाद हो जाए, देश का बचपन नशों में बर्बाद हो जाए, उनके लिए कानून अपना काम करेगा। कानून कहता है शराब बनाओ, कानून कहता है तंबाकू खूब उगाओ, खूब बच्चों को, बूढ़ों को, बीमारों को, बहनों को, बेटियों को, सबको खिलाओ। हम कहते हैं कि कानून सबसे बड़ा नहीं होता, देश सबसे बड़ा होता, देश सबसे बड़ा होता है, और जो कानून देश के खिलाफ है उनको बदल देना चाहिए। तो ये एक दर्शन है। हम कहते हैं कानून सबसे बड़ा नहीं, देश सबसे बड़ा होता है, देश अपना काम करेगा और देश से बड़ा कोई नहीं होता है। ये अंतर है, ये है कानून व्यवस्था में। और अभी उसमें थोड़ा एक दो बातें और हम जोड़ देना चाह रहे हैं। ये इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसके कारण से देश के 3 से 4 करोड़ लोगों को न्याय नहीं मिल रहा और करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, आप सोच सकते हो कितना। ये मैंने एक बार दैनिक भास्कर में पूरा का पूरा इसके ऊपर पूरा फ्रंट पेज आधा भरा हुआ था और उसकी पूरी स्टडी मैंने की, आज से 3 साल पहले की बात है। तो करीब 10 करोड़ लोग न्यायालयों के चक्कर काट रहे हैं, 3.5 से 4 करोड़ लोग तो उसके अंदर सीधे जुड़े हुए हैं, फिर उनके गवाह और उसके वकील, कुल मिला करके हर परिवार का एक सदस्य औसतन। ये हालात क्यों है इसका थोड़ा सा बताते हैं आपको कि लोग कहते हैं ना बाबा कानून में क्या बदलने की जरूरत है, कानून तो अपना काम कर रहा है, कानून तो सबसे बड़ा होता है, कानून को बदलने की बात करोगे तो आपको भी जेल में डाल देंगे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट बना 1890 में, और 1890 में अंग्रेजों ने ही बनाया इसको। अंग्रेजों के सामने ये बड़ा प्रश्न था कि भारत की न्याय व्यवस्था को कैसे खत्म किया जाए। तो भारत की न्याय व्यवस्था क्या थी और अंग्रेजों ने उसको कैसे खत्म किया। भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में एक ही छोटी कहानी सुनाता हूँ, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी होती थी। एक राजा का नाम आपने सुना, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बहुत न्यायप्रिय राजा। हमारे देश के किसी भी राजा की कहानी आप पढ़ना तो पहला ही वाक्य मिलेगा वो न्यायप्रिय था, प्रजा वत्सल था। हर राजा इस देश में न्यायप्रिय हुआ, माने न्याय देने का काम इस देश में राजा करता रहा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में 2 महिलाएं आई। एक बार एक मुकदमा आया, 2 महिलाएं थी, एक बेटा था। एक माँ कहती थी मेरा बेटा है, दूसरी माँ कहती थी मेरा बेटा है। राजा के सामने मुकदमा पेश हुआ तो राजा ने उसका न्याय करने के लिए कहा कि तलवार लाओ और आधा आधा काट दो, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को दे दो। तो जैसे ही तलवार आई और बच्चे को काटने के लिए तलवार उठाई गई तो तुरंत असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं इसको काटो मत, लगे तो पूरा का पूरा दूसरी मां को दे दो। राजा समझ गया असली मां यही है जो अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने कटता हुआ नहीं देख सकती। तो नकली मां से बेटा छीनकर असली मां को दे दिया। 2 मिनट में पूरे मुकदमे का फैसला हो गया। ये थी भारत की न्याय व्यवस्था, जिसमें न्याय मिलता था और तत्काल मिलता था, इमीडिएट। अब अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में जरा इस मुकदमे का अध्ययन किया जाए। अंग्रेजों का इस देश में एक चलता है इंडियन एविडेंस एक्ट, साक्ष्य अधिनियम जिसको कहते हैं, फिर एक चलता है इंडियन पीनल कोड, दंड संहिता जिसको कहते हैं। तो आईपीसी और इंडियन साक्ष्य अधिनियम माने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर यही मुकदमा किसी भी अदालत में आ जाए तो मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि 20 साल तक ये मुकदमा चलेगा
तय नहीं हो पाएगा कौन असली मां है कौन नकली मां है। हो सकता है दोनों माताएं मर जाएं और बेटा भी बड़ा जवान होके स्वर्गवासी हो जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहे चलता ही रहे चलता ही रहे। ये है अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था। साक्ष्य के साथ में सत्य नहीं जुड़ा हुआ। हाँ, अब इसमें साक्ष्यों के साथ सत्य को जोड़ना चाहते हैं, संशोधन वाली जो बात है। अब इसमें सबसे बड़ी मुश्किल क्या है कि सबूत आधारित आप सब काम करना चाहते हैं, गवाह और सबूत ये दोनों ही बदले जा सकते हैं। गवाह भी बदला जा सकता है और सबूत तो इतने आसानी से मिटाए जाते हैं और नए बनाए जाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी कारण से चूंकि गवाह बदल जाते हैं, गवाह पता है कैसे बदलते हैं, पुलिस उनका एक बयान लेती है और अदालत में जैसे ही वो गवाह खड़ा होता है तुरंत मुकरता है और कहता है कि पुलिस ने ये मेरे ऊपर अत्याचार करके लिखवा लिया। ठीक है, अब जैसे ही ये वो कहेगा तो मुकदमा जो 20 मिनट में फैसला होना चाहिए वो 10 साल तक ऐसे ही लटकता रहेगा, क्योंकि हर गवाह यही कहेगा कि पुलिस ने मेरे से जबरदस्ती लिखवा लिया, मुझे मारा, मुझे पीटा, मेरे ऊपर दबाव डाला, मैं क्या करूं, मैंने मजबूरी में लिख दिया। अदालत में जाकर हर गवाह ये बदलता है और इसी कारण अंग्रेजी न्याय व्यवस्था में कन्विक्शन रेट 5% है। कन्विक्शन रेट समझते हैं, 100 लोगों के ऊपर अगर मुकदमा किया जाए तो सिर्फ 5 को ही सजा होती है, 95 को सजा होती ही नहीं है, वो कभी ना कभी अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। तो 100 मुकदमे अगर सरकार करती है और उसमें 5 को ही सजा होती है और 95 छूटते हैं, इसका माने न्याय के नाम पर इसका माने या तो 95 मुकदमे झूठे या सरकार झूठी या पुलिस व्यवस्था झूठी या न्याय व्यवस्था कमजोर। ये इंडियन एविडेंस एक्ट ने ऐसा सत्यानाश कर रखा है हमारे देश में कि सत्य वहां महत्व का नहीं है, सबूत गवाह वो महत्व का है। कई बार पुलिस ऑफिसर कहते हैं सत्य क्या है हमें मालूम है, लेकिन गवाह नहीं है क्या करें, सबूत नहीं है क्या करें, ना सजा दिलवा सकते हैं ना सजा किसी की करवा सकते हैं। तो समस्या हमारे देश में ये, और न्यायाधीश को सत्य की पहचान करने के लिए बिठाया जाता है, वो न्यायाधीश भी सबूत और गवाह के आधार पर सत्य को खोजता है। आपको मालूम है न्यायाधीश भी सबूत देखेगा गवाह देखेगा तब सत्य की पहचान करेगा। सत्य तो अपने आप में ही पूर्ण होता है, उसको कोई गवाह की जरूरत नहीं होती, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं होती। एक उदाहरण दे दूं आपको अंग्रेजी न्याय व्यवस्था का कैसा मजाक इस देश में चल रहा है। आपने देखा बंबई में 26 नवंबर को जिन लोगों ने गोलियां चलाई, आतंकवादियों ने पाकिस्तान से आकर और सैकड़ों लोगों को मार डाला, उनमें से एक बचा है, एक बचा है कि नहीं, अब उसके ऊपर नौटंकी चल रही है कि नहीं। हमारे को सत्य मालूम है कि इसने 87 लोगों को मारा या पता नहीं 67 लोगों को मारा, खत्म कर देना चाहिए अब तक उस मुकदमे को, 10 मिनट का काम है। अब उसमें सबूत खोजे जा रहे हैं, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, उनको पकड़कर लाया जा रहा उसके सामने पेश किया जा रहा है और वो मक्कार आतंकवादी मजाक बना रहा है, हंस रहा है, भारतीय न्याय व्यवस्था पर हंस रहा है। और दुर्भाग्य से वो न्याय व्यवस्था हमारी नहीं है, वो अंग्रेजों की है। तो अंग्रेजों की बनाई गई है न्याय व्यवस्था, अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इसमें बहुत सुधार करने की जरूरत है और ये सुधार आप हम मिलकर ही कर पाएंगे। कोई राजनीतिक दल अगर इनको करना चाहता तो 62 साल में अब तक हो गया होता। राजनीतिक दलों को कुछ पड़ी नहीं है, उनको लगता है कि पुलिस का जैसा इस्तेमाल अंग्रेज करते थे वैसे ही आज राजनीतिक दल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, कलेक्टर का इस्तेमाल जैसे अंग्रेज करते थे वैसे ही आज भी करते। मैंने एक पुलिस अधिकारी को, बहुत सीनियर पुलिस अधिकारी, नाम नहीं लूंगा, उसको ये कहते जब मैंने सुना तो मुझे, बहुत सीनियर ऑफिस अधिकारी पुलिस के, कि राजनेता पुलिस को अपनी रखेल की तरह प्रयोग करना चाहते हैं इसलिए कानून व्यवस्था नहीं बदलते। बिल्कुल इतने ज्यादा घटिया बात ये। और कई सीनियर पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि व्यवस्था हमारी बदलनी चाहिए लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जैसे अंग्रेज प्रयोग करते थे पुलिस का अत्याचार करने के लिए वैसे ये लोग कर रहे हैं। ये तो आज हमारी, इस देश के करोड़ों लोग ताकत बन गए हैं, नहीं तो हमें यहां एक मिनट नहीं बैठने दे यहां पतंजलि योगपीठ में। मुझे बहुत लोगों ने कहा
बोले बाबा जी आपको भी शंकराचार्य जी की तरह उठा करके जेल में ठोक देंगे। मैंने कहा हम ताल ठोक के कहते हैं, जिसकी हिम्मत है आकर के ठोक के दिखाए जेल के अंदर, फिर हम दिखाएंगे। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले बाबा जी ये गवर्नमेंट आपके खिलाफ ये कर देगी, ये गवर्नमेंट वो कर देगी। मैंने कहा मैं जो ईश्वरीय कानून व्यवस्था है और जो मानवीय कानून व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मानता हूं, और मैं एक भी काम गैर कानूनन नहीं करता, लेकिन कोई षड्यंत्र करके हमें जेलों के अंदर ठोकेगा उस दिन हम बता देंगे कि कानून क्या होता है। तो इस देश में ये हिम्मत करने वाले तो कितने लोग होंगे जिनके साथ करोड़ों लोग खड़े होंगे। आज ये माना कि देश के करोड़ों लोग हमारे साथ खड़े, लेकिन एक बेचारे गरीब आम आदमी को कभी भी रात को 12 बजे जाकर के पुलिस उठा ले जाती है और उसको थाने में ठोक देती है, 6-6 महीने जमानत नहीं होती है, 12-12 सालों तक लोग जेलों में सड़ते रहते हैं। आप कह दो और कुछ कहना है? मुझे तो बस ये एक आखिरी ही बात कहनी है कि हिंदुस्तान में इस बात को गंभीरता से, क्योंकि मैं बीच में इसलिए बोला कि ये बात बीच में आ रही थी इसलिए मैंने इस बात को कहा, आपको सिर्फ ये चिंतन करने के लिए एक बात मैंने कही कि भारत की पूरी न्याय व्यवस्था, दुर्भाग्य से अंग्रेजी न्याय व्यवस्था, भारत का तो उसमें कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था जो आज हमारे देश में चल रही है इसमें कन्विक्शन रेट सिर्फ 5% है। इस बात को ध्यान रखिए, माने 100 मुकदमे अगर किए जाते हैं तो 5 को ही सजा होती है, 95 उसमें से छूट कर निकल जाते हैं, चाहे वो बलात्कार के अपराधी हों चाहे मर्डर के अपराध। आपको मालूम है बड़े बड़े क्रिमिनल्स इस देश में चुनाव लड़ लेते हैं, मर्डर करने के बाद चुनाव लड़ लेते हैं, क्योंकि सबूत उनके पक्ष में होते हैं और गवाहों को वो फोड़ लेते हैं। तो सबूत और गवाह के आधार पर चलने वाली इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी ये है, गवाह अगर कमजोर है तो या तो बिकेगा या डर में टूटेगा, और सबूत तो कभी भी बदले जा सकते हैं। आपको मालूम नहीं है फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स पूरी की पूरी बदल दी जाती है, ऐसी हमारे देश में घृणित व्यवस्था है, इसलिए न्याय मिल नहीं पाता। 3.5 करोड़ मुकदमे पेंडिंग हैं, वो इसी कारण से पेंडिंग है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब अंग्रेजों के जमाने के ड्राफ्ट किए हुए हैं। उनका कहना ही ये था अंग्रेजों का, न्याय किसी को मिलना नहीं चाहिए, अन्याय हमेशा हरदम हर एक पर होना चाहिए, तभी ये लोग गुलाम बनेंगे। तो अन्याय करने के लिए जो व्यवस्था उन्होंने बनाई है, दुर्भाग्य से हम उसको न्याय व्यवस्था कहते हैं। और मैं विनम्रतापूर्वक कहता हूं, न्यायाधीश कोई नहीं है इस देश में, सब कायदाधीश है, क्योंकि कायदे और कानून के हिसाब से फैसला करते हैं, न्याय कभी नहीं देते। मैं आपको एक उदाहरण से कहता हूं, एक कानून है हमारे देश में, वो ये कहता है कि गाय को अगर आप डंडे से मारोगे तो आपको जेल हो जाएगी, और उसी गाय का आप कत्ल कर दोगे और मांस बेचोगे तो सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो गाय का कत्ल करने पर करोड़ों रुपए की सब्सिडी है, और उसको डंडे से पीटा तो जेल हो जाएगी। क्या न्याय व्यवस्था है इस देश? अब इस कानून के आधार पर कभी कोई फैसला देगा न्यायाधीश, तो गाय की हत्या करने वाले को कभी कोई सजा नहीं हो पाएगी, और गाय को बेचारे डंडे से मारने वाले किसान को हमेशा जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कानून अगर गलत है तो न्याय कहां मिलेगा? इसलिए हमारी आज की व्यवस्था कायदाधीशों की व्यवस्था है, न्यायाधीशों की व्यवस्था नहीं है। हमको करना है कि न्यायाधीशों की व्यवस्था लानी है, इस कायदाधीशों की व्यवस्था से देश को बाहर निकालना है। धन्यवाद, आभार। तो ये हमारा आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन कि हम इस देश को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों को लाना चाहते हैं। हमारे देश में जो इतिहास की, विज्ञान की, दर्शन शास्त्र की, चिकित्सा शास्त्र की जो हमें शिक्षा दी जा रही है, हम उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। बच्चों को नशा, वासना और हिंसा अपराध से बचा करके उनको एक सभ्य, चरित्रवान, मातृ पितृभक्त, राष्ट्रभक्त नागरिक बनाना चाहते हैं। इस देश को स्वस्थ बनाना, इस देश के शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके इस देश में चरित्रवान नागरिकों का निर्माण करना। तीसरा, स्वदेशी
कि भाव को जागृत करके एक स्वाभिमानी भारत बनाना, समृद्ध भारत बनाना। जिस देश के नागरिकों का स्वाभिमान मिट जाता है वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और जो देश दुनिया का आगे बढ़ा, विश्व की महाशक्ति बना, तो उस देश के लोगों के स्वाभिमान ने उस देश को आगे बढ़ाया। आज एक अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा होकर के, एक अंधेरे गांव में कोठरी में पैदा होकर के मैं यहां तक पहुंचा हूं, तो मेरे स्वाभिमान ने मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं मानता हूं कि जब मेरा स्वाभिमान जगा और मैं यहां तक पहुंचा तो मेरा देश भी आगे बढ़ेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके भीतर से वो जो घृणा, वो जो आत्मग्लानि का भाव, उसको बार बार, उसको अपने और अपने वतन से जो घृणा भरी उसके भीतर, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने उसको हम बदलना चाहते। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वदेशी का भाव, ग्रामीण स्वावलंबन, गांव की आत्मनिर्भरता, और वो स्वर्णिम युग का भारत जहां पर भारत का गांव रोटी कपड़ा मकान में, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा में, बिजली पानी सड़क में स्वावलंबी था, आत्मनिर्भर था, बहुत उन्नत था, उसको पूरी तरह से तो नष्ट कर दिया गया था साजिश के तहत अंग्रेजों ने। उसको हम दोबारा से खड़ा करना चाहते हैं। जल का प्रबंधन, ये जो पुराने 15-20 साल 30 साल पहले भारत में 15-20 फीट नीचे पानी मिलता था, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं हम इस तरह की एक व्यवस्था इस देश में लेकर के आएंगे, और उसका पूरा का पूरा अनुसंधान हो चुका है कि इस देश में वापस 15-20 फीट नीचे जमीन में से पानी निकाला जा सकेगा, ऐसी पूरी की पूरी व्यवस्था। क्यों नहीं आगे बढ़ेगा देश? जल प्रबंधन, स्वच्छता, भ्रष्टाचार, और एक खास बात, जो भ्रष्ट बेईमान अनपढ़ चरित्रहीन गुंडों को जो टिकट देते वो भी सब इसी के अंदर आता है। टैक्स मनी में, टैक्स प्लानिंग में, टैक्स सिस्टम में सुधार की, अरे कम से कम 50% तो हमें आजादी दो, आजादी के 60 वर्ष बाद ये झूठी आजादी, आजादी के नाम पर धोखा, 50% आजादी मिल जाएगी ना, 50% जिस दिन आजादी मिल जाएगी देश के लोगों को, उस दिन ये देश 3-5 वर्षों के भीतर पूरी दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक शक्ति बन जाएगा, केवल 5 वर्षों के भीतर। इतनी बड़ी शक्ति हमारे देश के लोगों के पास है, और ये सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाएगा, स्वर्णों का, अगड़ों का, पिछड़ों का झगड़ा खत्म हो जाएगा, दोबारा से इस देश में सामाजिक सद्भाव पैदा हो जाएगा, जातियों के नाम पर, मजहबों के नाम पर जो हमें आपस में दोराव पैदा किया था, सामाजिक न्याय जिसकी अभी बहुत लंबी चर्चा हुई कि कानून जो 34,735 अंग्रेजों ने हमारा शोषण करने के लिए, हमें लूटने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें तबाह करने के लिए, हम जो है सिर ना उठा सकें, हम आजादी की मांग ना कर सकें, हम अपने अधिकारों की के लिए संघर्ष ना कर सकें, इसके लिए पूरे कानून व्यवस्था बनाई गई थी। उस कानून व्यवस्था में बहुत बड़े सुधार की आवश्यकता है, हम उसको करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय मिले जिससे लोगों को, शासन के नाम पर शोषण ना, और भारत एक आध्यात्मिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का अध्यात्म, भारत के सामाजिक विकास का दर्शन। आज भारत में किस बात की, किस चीज की चर्चा की जाती है? लेनिनवाद, मार्क्सवाद, माओवाद। हमें चाहिए भारतीय समाजवाद, भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय अध्यात्मवाद, और यह भारत का सांस्कृतिक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद इतना समुन्नत है कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं है दूसरे की, और 100% मतदान। तो ये भारत स्वाभिमान का हमने आध्यात्मिक और सामाजिक दर्शन दिया। जो राजनीतिक पार्टी इस सामाजिक दर्शन को मानेगी, हम उसको समर्थन देंगे। हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन हमारा यही सिद्धांत है, हम राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन भ्रष्ट, बेईमान, चरित्रहीन और जिसको इस देश से प्यार नहीं, उनको इस देश में राजनीति नहीं करने देंगे, ऐसी ताकत खड़ी करेंगे इस देश में, एक अवरोध खड़ा करेंगे इस देश में, गलत बातों का विरोध खड़ा करेंगे इस देश में,
कि कानून सबसे बड़ा नहीं, देश सबसे बड़ा होता है। और जो कानून, जो व्यवस्था देश के हित में नहीं, उस कानून और व्यवस्था को, शासन को, साम्राज्य को बदल दो। और ये संकल्प हम जन जन में जगाएंगे। तो मुझे लगता है हमारे भारत स्वाभिमान के पतंजलि योगपीठ के तमाम कार्यकर्ताओं में अब कोई संशय और भ्रम नहीं रहेगा। अब एक पूरी ऊर्जा के साथ में एक बहुत बड़ी ताकत देशभक्तों की इस देश में खड़ी होगी। और जब ये करोड़ों लोगों का संगठन, ये करोड़ों लोगों की जनशक्ति जब खड़ी होगी, तो शासन बदलेंगे, साम्राज्य बदलेंगे, व्यवस्थाएं बदलेंगी और एक नए भारत का हम निर्माण कर पाएंगे। और स्वाभिमान का ये उद्घोष पूरे देश में अब गुंजाना। चलो फिर से गाते हैं। और यही स्वाभिमान हम योग करते करते इस देश में जगाएंगे। तो योग से निरोग तो इस देश को बनाएंगे ही, लेकिन योग से आत्मोन्नति करके उनको राष्ट्रोन्नति में लगाएंगे। योग से उनका आत्म जागरण करके इस राष्ट्र में एक नव जागरण लेकर के आएंगे। हम अब शांत होकर के, मौन होकर के बैठने वाले नहीं है, क्योंकि देश की हानि दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जन व्यक्तियों की उदासीनता से ज्यादा होती है। तो चलो, जागने का वक्त आ गया। जन जन को जगाना, ये जागरण गीत आपको हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में गाने। और जब देश के लोग जागेंगे, योग से निरोग तो बन ही जाएंगे, निर्व्यसनी तो बन ही जाएंगे। चलिए गाते। जागने का वक्त आ गया, 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 हाँ जागने का वक्त आ गया, जागने का वक्त आ गया। मातृभूमि का एहसान है, मेरे लहू की एक एक बूंद इस देश की मिट्टी से बनी है, मेरे शरीर के एक एक कोशिका इस देश की मिट्टी से बनी है। इसलिए जब तक शरीर में प्राण है, लहू का एक एक कतरा बाकी है, देश के लिए जीऊंगा और देश हित, मरना भी पड़ा तो भी परवाह नहीं करूंगा। ये संकल्प जब जन जन में जगेगा, तब ये भारत स्वाभिमान एक नए आंदोलन को, एक नई क्रांति को खड़ा करेगा और इस अभियान को कोई रोक न सकेगा। खून है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, खून है स्वदेश के लिए, देशभक्त है, जो मातृभूमि से, देश से प्यार करता है, वो हर कोई जुड़ेगा।
और जो भारत का गद्दार है उसको हमें जोड़ने की जरूरत ही है ही नहीं, वो हमसे ना जुड़े तो ही अच्छा है, उन्हीं का तो इलाज करना है हमको। इसलिए हमें परवाह नहीं है कौन जुड़ेगा, जो देश से प्यार करेगा, जो देश से प्यार करता है वो हर कोई हमसे जुड़ेगा। तालियां और गाते हैं। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं झुकी। मौत की चुनौतियों को सुन, जिंदगी कभी नहीं झुकी। काल की कराल शक्ति से जिंदगी कभी नहीं झुकी। स्वाभिमान जाग चुका है, अब तो ये तूफान बन करके आगे बढ़ेगा और हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर ढाणी में, हर शहर में, हर जन जन में भारत का स्वाभिमान जगेगा। हा? चलो इन जागरण गीतों को पूरे देश में गाना है, पूरे देश को स्वाभिमान के उद्घोष से गूंजाना है। ए वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती है। सब गाएंगे और इन गीतों को, इन जागरण गीतों को, इन स्वाभिमान गीतों को पूरे देश में गुंजाएंगे, सारा देश जगेगा, देश स्वस्थ बनेगा, निरोग बनेगा, निर्व्यसनी बनेगा, देश का चरित्र तो ऊंचा उठेगा ही उठेगा। इस देश का हर व्यक्ति इतना जाग जाएगा कि वो सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत और सांस भी रखेगा। ऐ वीर धरा के जाग जरा, ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है। ऐ वीर धरा के जाग जरा, चित्कार कहां से आती है, इस देश की आन पे मिटने को, इस देश की आन पे मिटने को भारत माँ तुझे बुलाती।
के जा जरा। हमारे आदर्श हैं, ऊपर से देखो नीचे तक, ये हमारे राष्ट्र धर्म के, हमारे अध्यात्म धर्म के ये आदर्श है। और ऐसा ही जीवन होगा हमारा। अब हम मौन होकर के नहीं बैठेंगे, देश के लिए जिएंगे। बहुत से लोग कहते हैं ना, बोले जिएंगे और मरेंगे, मन का मरेंगे तो पापी, हम बोले कहते हैं ना लड़ेंगे और मरेंगे, हम कहते हैं हम लड़ेंगे और मरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे और विजयी होंगे। हा? ये संकल्प। अरे हमारे भीतर कौन है? महाराणा प्रताप का, छत्रपति शिवा का, गुरु गोविंद सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, लक्ष्मीबाई का। हाँ चलो गाते हैं। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत का पानी है। भारत की धरती स्वर्ग भूमि है, अमृत का पानी है। बच्चा बच्चा है भगत सिंह, बच्चा बच्चा है भगत सिंह। बहने झांसी के रानी है, बहने झांसी के रानी है। फिर आज विदेशी लौट रहे, फिर आज विदेशी लौट रहे। यह देख धड़कती छाती है, ऐ वीर धरा के जा। लेकर के जा रहे हैं, हर दिन एक घंटा योग करेंगे और दूसरों को करवाएंगे। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में योग की नियमित कक्षा। ये हमारे राष्ट्र धर्म के ट्रेनिंग सेंटर है, भारत स्वाभिमान के ट्रेनिंग सेंटर। तोड़ के दिखाओ कौन तोड़ेगा। हर देशभक्त जो देश से प्यार करता है, वो एक नहीं दस दस मिलकर योग करेंगे। ये कम से कम हमारी संख्या है, और पचास पचास सौ सौ करेंगे। नियमित योग कक्षा लगाएंगे, खुद योग करेंगे, और क्या करेंगे, दूसरा काम अष्टांग योग का पालन करेंगे, और तीसरा काम स्वदेशी का पूर्ण आग्रह, इन मल्टीनेशनल कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार। हाँ, शून्य तकनीकी से बनी कोई वस्तु प्रयोग में नहीं लाएंगे। पहले बहुत लूटा उन्होंने, अब लूट रहे हैं कानून बना करके। हमने सारी संधियां कर रखी है इन विदेशियों के साथ, कानून के संधियां कर रखी होंगी गवर्नमेंटों ने। हम स्वतंत्र हैं इस बात के लिए कि हम किस कंपनी का सामान यूज करेंगे। हम केवल भारतीय कंपनियों का यूज करेंगे, सामान प्रयोग में लाएंगे। चलो गाते हैं। आज गुलामी के बेड़े में देश अकड़ता जाता है, आज गुलामी के बेड़े में देश अकड़ता जाता है। अब तक जिसे संजो नहीं मरेगा। अब देश का जो पैसा लूट के ले गए कितने, वो वापस लाना है, और अब आगे से लूट को नहीं होने देना है। जाग जाएगा ना तो पूरा देश, तभी काम हो जाएगा। तो हमने काम योग से, आरोग्य तो इस देश को देंगे ही, इस देश को जगाएंगे, बिना राजनीति के हुए, बिना राज
हाथ नहीं दिखे हुए, बिना सिंहासन पर बैठ करके लंगोटी में रह करके खुद तप करके इस देश को ऊंचा उठाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर के जाएंगे। इस देश में ना कंगाली होगी ना ही होगी बेकारी, इस देश में ना कंगाली होगी ना ही होगी बेकारी। देश का पैसा रहे देश में, देश का पैसा रहे देश में, लूटे ना अत्याचारी हो लूटे ना अत्याचारी, अब भारत का स्वाभिमान ठीक नहीं हो। अब ये सारा दारमदार तुम्हारे ऊपर है, मैंने आप पर विश्वास किया है, आपको मैंने राष्ट्र जागरण का पुरोधा माना है, मैंने कभी किसी राजनीतिक पार्टी पर भरोसा नहीं किया, मैंने इस देश के लोगों पर सदा भरोसा किया है और आज तक देश के लोगों ने मेरे भरोसे को नहीं तोड़ा है, तो मैं मानता हूं आप भी नहीं तोड़ेंगे। चलो हो जाओ तैयार साथियों, चलो गाते हैं, हाथ उठा करके झूमते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए, अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। अरे हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों।
स्वाभिमान के नारों से पूरे देश को गूंजा देना है। चलो फिर से गूंजाते हैं इस आज तो गूंजेगी ये धरती स्वाभिमान के नारों से, टकराएंगी ये आवाजें देश के पहरे। चलो तालियों के साथ गाते हैं। आज तो गूंजेगी ये धरती स्वाभिमान के नारों से, टकराएगी ये आवाज देश के पहरे दारों से। आज तो गूंजेगी ये धरती स्वाभिमान के नारों से, टकराएगी भगवान ने आप ही को चुना इस काम के लिए। अब ये अवसर हाथ से नहीं जाने दे। चलो गाते नहीं जुड़े हैं जो भी हमसे, अभी वक्त है आओ रे, भ्रष्टाचार मिटाने को अब साथ खड़े हो जाओ रे, नई आजादी नई व्यवस्था नया परिवर्तन लाओ रे। देश हमारा स्वदेशी के नारों से, टकराएगी ये आवाज देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अभियान लेकर के आगे बढ़ना है, ना रुकना है ना झुकना है। कितने भी पुलो बनाए और कितने भी संघर्ष करने पड़े तो भी रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जब तक मंजिल नहीं मिलेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, संकल्प लेते हैं। अनुशासन का पाठ पढ़ा है, योग धर्म अपनाया है, भ्रष्टाचार अन्याय कुशासन जिसने हमें सताया है, भारत का स्वाभिमान जगा है, विजय का बिगुल बजाया है। भारत माँ को पापों अत्याचारों से, टकराएगी ये आवाज देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज तो गूंजेगी ये धरती स्वाभिमान के नारों से, टकराएगी ये आवाज देश के पहरेदारों से। वंदे मातरम वंदे मातरम की। और एक समापन गीत, समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथी, स्वदेशी राग ही गाना, नहीं झुकना मेरे साथी। हाँ, ना रुकना है ना झुकना है। ये आज के हमारे भारत स्वाभिमान के ये गीत, इनको देश के करोड़ों लोगों तक गूंजाना है। कितने दिनों में बदलेंगी ये भ्रष्ट व्यवस्थाएं? मैंने कहा दो चार दिन की बात है, थोड़ा हिम्मत से आगे बढ़ो। हाँ, समय की मार सह लेना, नहीं रुकना मेरे साथ। समय की मार सह लेना,
नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ तो संघर्ष करना ही पड़ता है और इस संघर्ष में हम विजयी होंगे। बस थोड़ा सा संघर्ष और तब करना है। ये मुश्किल चार दिन की है, विजय के समय